हेलो 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 जी हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एसल के साथ आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी तो सभी प्यारे बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पूरी एनर्जी के साथ में रहिएगा क्योंकि एक तो बड़ा कारण है यूपी बोर्ड के बच्चों के पास एनर्जी मेंटेन करने का कि भाई आपके डेट आ गई बाईस तारीख से आपके एग्जाम शुरू है फरवरी से आपके एग्जाम है तो अब तो एकदम सर पे ही आ गए पेपर तो अब तो अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे तो जो बच्चे अब जागना चाहते हैं जो बच्चे अब भयंकर रिवीजन करना चाहते हैं जो बच्चे अब बस सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को केवल दो ही चीजों से मतलब होना चाहिए एक तो ए के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा इस चीज को सीरियसली सोच करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए वो है रफ्तार तो ये जो चीज है ना ये आपको परसों मतलब संडे अब 10 दिसंबर नहीं बोलूंगा परसों बोलूंगा तो परसों शाम को 6 बजे आने वाला है रफ्तार का टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल जिससे बच्चों की बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है एक ऐसा टाइम टेबल जो बच्चे ये सोचते हैं कि कैसे आशीष सर पैंतालीस दिन में हमें सो में से सो की तैयारी करवाने वाले हैं कैसे सब्जेक्ट रहेगा क्या पढ़ाएंगे कैसे क्या करेंगे वो सब आपको छह तारीख को जानने को मिलेगा दो हजार चौबीस पच्चीस के नए बैचेस का स्ट्रक्चर क्या होगा यहां जानने को मिलेगा बहुत सारे बच्चे मैं मैंने पूछा कि कैसे कितने एक्साइटेड हो तो एक सौ दस कमेंट तो केवल उस बात पे जो सवाल मैंने पूछा था मतलब मजा आ रहा है सच में मैंने आपसे था कि सभी दस दिसंबर के लिए तैयार हैं कि आप ए के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक सौ दस रिप्लाई तो उसके ऊपर है मेरे बच्चों इससे एक चीज़ समझ में आई कि आप लोगों के मैसेज हम तक पहुंचे हैं ये तो मैसेज पहुंच गया एक वीडियो मैसेज भी पहुंचना चाहिए तो आप जब यहाँ फोर्थ बैच के बच्चे हैं आशा बैच के बच्चे हैं ए के बारे में आपके जो भी विचार हैं जो भी थॉट आपके हैं आपको टेलीग्राम करना चाहिए टेलीग्राम नंबर के ऊपर टेलीग्राम नंबर आपके पास है ही एस का ये वाला इसके ऊपर आपको टेलीग्राम भेजना चाहिए तो आज वीडियो बनाकर आपको जो भी ए के बारे में मैसेज भेजना हो वो आप टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हैं काफी अच्छा लगता है जब आप लोगों के विचार जानने को मिलते हैं है ना और आज क्या करने आए हैं सर आज तो हम लोग एक पूरे चैप्टर को फिनिश करने आए हैं सेमी इतना आसान इतना प्यारा इतना छोटा सा चैप्टर है इसको डेढ़ घंटे में फिनिश किया जा सकता है जितना बचा है एनसीईआरटी में डेढ़ घंटे में इस चैप्टर को मरम्मत करेंगे अच्छे से इस चैप्टर की और इस चैप्टर को दफ़ा करेंगे ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि सीधा वहीं से सवाल आएगा सीधा वहीं से सवाल आएगा है ना और एक चीज़ आपको देख के लगेगा कि सर वन शॉट में क्यों करा रहे हैं चैप्टर को <laughs> ये चैप्टर है ही इतना सा अगर मैं वैसे क्लास लेके भी कराऊंगा तो ये दो क्लास में हो जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट्स की मैंने कहा ठीक है काम करते हैं इसको डेढ़ घंटे एक वन शॉट में ही कर लेते हैं है ना और ये वाली बात है और जिन बच्चों का पहले पेपर है उनको चिंता नहीं करनी है जैसे मैं जानता हूँ झारखंड बोर्ड का छः तारीख से है बिहार का एक तारीख से परेशान नहीं होना है भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल प्लानिंग है बिहार बोर्ड हो झारखंड बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो हर बोर्ड के लिए प्लानिंग है और बहुत सुदृढ़ प्लानिंग है और ये प्लानिंग आपको कब रिफ्लेक्ट करेगी पता है जब आप क्या देखोगे रफ्तार और मुझे पता है आप फिज़िक्स को लेकर काफ़ी परेशान हो तो फिजिक्स को ही बहुत भयंकर तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा बहुत भयंकर तरीके से रफ्तार में पढ़ाया जाएगा आपको परेशान होना ही नहीं है तो फिजिक्स को लेकर जो आपकी परेशानी है उसको तगड़े तरीके से दूर करने का इंतजाम साफ हो चुका है बस उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए मुझे आप लोगों से वो है आपके अंदर की जिद तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में हैश टैग जिद कर जल्दी से हैश टैग हैश टैग जिद कर शुरू करें फटाफट पड़ से कुछ नहीं करना है अब डेढ़ घंटे फोकस अब में पढ़ना है सब कुछ भूल जाओ पेपर हैं सिलेबस इसके बाद वैसे भी फिजिकल सेबस कम्प्लीट है आपका तो ये हमारी आखिरी क्लास है जो इस सिलेबस की लाइव होने वाली है तो इसके बाद और भी क्लासेस होंगी उनमें हम इसी सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए आज हमारी आखिरी क्लास है तो इस आखिरी क्लास को मिलकर के इस आखिरी क्लास को मिलकर के यादगार बनाते हैं डैनी भी मौक रहा है तो इस आखिरी क्लास को मिलकर के यादगार बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं इसमें ठीक है तो चलिए साहब शुरू करते हैं हैश टैग जित कमेंट सेक्शन और उम्मीद करता हूँ आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रखा होगा और आपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर रखा होगा बिकॉज एप्लीकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको अच्छे से इंस्टॉल करके रखनी है क्योंकि 10 तारीख को ये बहुत काम आने वाली है आपके ठीक है चलिए तो सब कुछ छोड़ दीजिए आप अब सब कुछ भूल जाइए ईच एंड एवरी सब जो दिमाग में चल रहा है सब छोड़ दो दो ही चीजें होनी चाहिए एक तो आज का ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हैश टैग जिद कर बस इसके अलावा कुछ नहीं फटाफट फड़ से कमेंट सेक्शन में हैश टैग जिद कर सभी जितने बच्चे लाइव हैं धड़ाधड़ धर। इसके बाद में आपको पढ़ने बैठना है इसके बाद बस आपको सीधा पढ़ने बैठना है तो हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन फटाफट कुछ और नहीं कुछ भी और नहीं कुछ भी और नहीं केवल हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन और कुछ नहीं चाहिए बस हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन फटाफट फास्ट टॉप करना है वेरी गुड बिल्कुल करेंगे मेहनत ही इस लेवल की करेंगे हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन फटाफट फिर शुरू करूँगा अर्चालक भौतिक ही पढ़ेंगे बहुत शानदार चैप्टर है आपको पूरा समझ में आएगा एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आज फील कर जाओगे इस चैप्टर को आज की डेट में गारंटी इस बात की घबराना नहीं है फटाफट फड़ से हैश टैग जिद का सभी बच्चे फिर शुरू करूँगा मैं उसके बिना शुरू नहीं करेंगे आज की क्लास हैश टैग जिद कर हैश टैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन शुरू करें चलिए साहब तो एंजॉय करेंगे आज बहुत मजा आने वाला है सबसे पहले आज की कहानी को शुरू करते हैं आपने पदार्थ के बारे में तो सुना होगा केमिस्ट्री में बहुत बार हम पदार्थ का पदार्थ हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान गिरती हो सब उसे पदार्थ कहते हैं आज हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और हम पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पे पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं चालन के आधार पे मतलब कोई करंट को फ्लो कराता है कोई करंट को फ्लो नहीं कराता है क्यों कराता है कैसे कराता है उसके आधार पे हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण चालन के आधार पर जब आप चालन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करते हो तो चालन के आधार पे ध्यान से पढ़ना बेटा बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण चालन के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण चालन के आधार पे कैसे किया जाता है तीन भागों में किया जाता है चालन के आधार पे पदार्थ को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं चालन के आधार पर पदार्थ को हम कितने समय बांट सकते हैं तीन हिस्सों में बांट सकते हैं सबसे पहला हिस्सा है चालक दूसरा हिस्सा है अचालक और तीसरा हिस्सा है अर्ध चालक अब आज की क्लास को एंजॉय करना है और इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं एक भी नंबर ना कटे अगर आप ये चाहते हो मेरे साथ तो आज इस पूरी क्लास में एक एक चीज फील करवाऊंगा बस तुम्हें इतना हेल्प करनी है कि मेरे साथ लाइव बने रहना है और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठना है डेढ़ घंटा मुश्किल से चलेगा ज्यादा लंबा नहीं है डेढ़ से पौने दो घंटे में अपन इसको समाप्त कर देंगे और ऐसा समाप्त करेंगे कि दुनिया देखेगी ठीक है चलो चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर अचालक को बोलते हैं इंसुलेटर और अर्चालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर तो अचालक आपका हो चालक हो गया कंडक्टर अचालक हो गया इंसुलेटर और अर्चालक हो गया आपका सेमी कंडक्टर चालक वो है जिसमें करंट फ्लो करती है चालक वह जिसमें करंट फ्लो करती है अचालक वह है जिसमें करंट फ्लो नहीं करती अर्ध चालक क्या है अर्ध चालक में करंट फ्लो नहीं करती अर्ध चालक में सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करती पर अगर आप दो काम कर दो पहला तापमान बढ़ा दो और दूसरा अशुद्धि मिला दो मतलब अगर आप तापमान बढ़ा दो या अशुद्धि मिला दो इनमें से कोई एक काम कर दो तो फिर अर्धचालक करंट को फ्लो कराना चालू कर देते हैं तो पदार्थ अभी तक क्या पड़ा कमौन अभी तक क्या पड़ा पदार्थ तीन प्रकार का होता है चालक कुचालक अर्धचालक चालक चालक जो करंट को फ्लो कराते हैं एग्जाम्पल आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा जो करंट को फ्लो नहीं कराते मर जाएंगे पर करंट को फ्लो नहीं कराएंगे जल जाएंगे पर करंट को फ्लो नहीं कराएंगे ठीक है एग्जाम्पल लकड़ी वुड अर्धचालक करंट को फ्लो नहीं कराते पर अगर इनके साथ दो चीजें कर दी जाएं तो ये करंट को फ्लो करा देते हैं वो दो चीजें कौन सी हैं या तो आप तापमान को बढ़ा दीजिए या आप अशुद्धि मिला दीजिए ये कहलाते हैं सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल सिलीकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन जर्मेनियम ठीक है एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम ठीक है साहब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तो हमें इस चैप्टर में अर्ध पढ़ना है हमें इस चैप्टर में प्यारे बच्चों सेमी कंडक्टर पढ़ना है शुरू करें क्या इस स्लाइड पे जो पढ़ाया सब समझ में आ गया हैश टैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन यहां तक सब समझ में आ गया आपको वे तापमान बढ़ाने पर अशुद्धि मिलाने पर काम हो जाएगा तापमान मिलाने पर अशुद्धि मिलाने पर काम हो जाएगा अब वो कैसे होगा वो समझाऊंगा अच्छे से चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा समझाएंगे साहब ऐसा समझाएंगे कि सेमी कंडक्टर यूं आ जाएगा यूं अब क्या शुरू कर रहे हैं अर्ध चालक चलिए शुरू करते हैं अर्ध चालक हमें पढ़ना है इसी की बात करेंगे अर्ध चालक को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कंडक्टर अब आपको एक बात बताएं सेमी कंडक्टर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं और है ना दो प्रकार के होते हैं सेमी कंडक्टर का पहला प्रकार है नैज अर्ध चालक। नैज अर्ध चालक। और नैज अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है नैज चालक एक होता है बाहे अर्धचालक बाहे जिसको और दूसरी भाषा में अपद्रवी भी कहते हैं बाहे अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक इसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर So, क्या बोलते है? हैं एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर बेसिकली आपके अर्ध दो प्रकार के होते हैं अब मैं ये दोनों प्रकार जो को शुद्ध भी कहा जाता है मतलब इसके लिए शुद्ध शब्द का प्रयोग भी करते हैं और बाहे या अपद्रवी इसको अशुद्ध तो नहीं बोलते बट इसके अंदर अशुद्धि मिली हुई होती है कैसे अभी समझेंगे हमने तो नैज निज पढ़े हैं <laughs> कहाँ पड़ा बेटा सैमी दो भाग में बैठे हुए नैज और बाहे या बुद्रवि चलिए साहब सबसे पहले सिलिकॉन किस फैमिली में आता है कहे सीता जी सुने प्रभु यह आपका परिवार है कार्बन का परिवार कार्बन के परिवार के बारे में एक बार सब याद रख सकते हो मेरे कहने पे कि कार्बन के सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो बनाते हैं चार बंद कितने बंद बनाते हैं चार बंद ठीक है अब जैसे कार्बन बनाता है वैसे सिलिकॉन बनाएगा जर्मेनियम बनाएगा चलिए साहब तो ये सिलिकॉन ने बंद बना रखे हैं हर सिलिकॉन ने चार बंद बना रखे हैं हर सिलिकॉन ने चार बंद बना रखे हैं ये लो साहब हर सिलिकॉन ने चार बंद बना रखे हैं चलिए समझे अब आपको एक बात बताना चाहता हूं विद्युत के बारे में क्या समझते हो विद्युत का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में बहुत जरूरी है जानना डाउट कहां से आ गया अभी तो पढ़ाया ही नहीं है अभी तो चल रहा है रुकिए जरा विद्युत का मतलब होता है आवेश का प्रवाह करना तो अगर कहीं पे आवेश का प्रवाह होता है अगर कहीं पे आवेश का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत कहते हैं हाँ जी तो आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है विद्युत कहलाता है अब विद्युत के लिए क्या क्या चाहिए देखो विद्युत के लिए या तो आपको कहीं से भी मिल जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो या तो आपको कहीं से भी मिल जाए फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दूसरा या फिर आपको मिल जाए मुक्त आयन जैसे सोडियम क्लोराइड में जैसे ही उसको पानी में घोलते हैं एनए प्लस और सीएल माइनस अलग अलग हो जाते हैं और एनए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सीएल माइनस दोनों जब अलग अलग होते हैं तो घूम पाते हैं इसलिए नमक को जब पानी में घोलते हैं तो वो विद्युत का चालन करवाता है समझते हैं ठीक है तो विद्युत के लिए इतनी सी बातें जो मैंने लिखी क्या आपने पूरी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली बेटा आज आपकी तो आप ये बात समझते हो ना कि आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं उसके लिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर मुक्त आयन चाहिए ठीक है अब इधर आते हैं ये आपके सिलिकॉन की स्थिति है यह आपका एक अर्ध है। अब सारी बातें छोड़ो मेरे पे ध्यान दो मैंने क्या बताया आपको कि आपका अर्ध करंट का फ्लो नहीं करवाता है तो आपका अर्ध करंट का फ्लो क्यों नहीं करवाता है क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हैं यह आपका सिलिकॉन है आप यहां पे जब देखेंगे तो सारे के सारे बंद बने हुए हैं सिलिकॉन ने सारे बंद बना रखे क्या यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है यस और नो में कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि क्या आपको यहां पर इस सिलिकॉन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या केवल यस या नो नहीं, नहीं, नहीं मतलब ये करंट को फ्लो नहीं करवाएगा सही बात है नहीं कराते सेमी कंडक्टर करंट को फ्लो बात खत्म पर मैंने क्या बताया सेमी कंडक्टर करंट को फ्लो करवा सकता है यदि आप तापमान को बढ़ा दो या अशुद्धि को मिला दो अब अपन पहले वाली चीज कर रहे हैं तापमान को बढ़ा। अगर आप तापमान को बढ़ाओगे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे अगर आप तापमान को बढ़ाओगे अगर आप तापमान को बढ़ाओगे मतलब आप टेम्परेचर को क्या करोगे इंक्रीज करोगे तो अगर आप तापमान को बढ़ाते हो या टेंपरेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा समझेंगे अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो यहां पे वाइब्रेशन होगा एनर्जी क्रिएट होगी ऊष्मा क्रिएट होगी वो ऊष्मा क्या कर सकती है वो ऊष्मा कुछ सह संयोजी बंद को तोड़ सकती है तो अगर आपने तापमान को बढ़ाया अगर आपने तापमान को बढ़ाया तो तापमान के बढ़ाने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम क्या है कि तापमान के बढ़ाने से यहां पे जो सह संयोजी बंद हैं वो टूट सकते हैं वाइब्रेशन से तो अगर आपने तापमान को बढ़ाया तो तापमान के बढ़ाने से कंपन होगा कंपन से क्या होगा सह संयोजी बंद टूटेंगे सह संयोजी बंद टूटेंगे और अगर सह संयोजी बंद टूटे तो आपको क्या मिलेगा आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बंद के साथ बंधे थे, वो बंद तो टूट गया तो बंद के टूटते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अब फ्री हो हो गए। गए तो ये आपके हो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बंद के टूटते ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं वो करंट को फ्लो करवा सकते हैं तो इसलिए मैंने कहा था कि तापमान को बढ़ाने पर अर्धचालक तापमान को बढ़ाने पर अर्ध चालक उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं क्या हंड्रेड परसेंट तापमान बढ़ाने पर अर्ध चालक जो है वो क्या बन जाता है चालक बन जाता है तापमान के बढ़ाते ही आपका अर्ध चालक जो है वो क्या बन जाता है चालक क्यों भाई सिंपल है यार जैसे ही बंद बढ़ेगा जैसे आप तापमान बढ़ाओगे बंद टूटने लग जाएंगे तो सिलिकॉन के बीच में जो बंद है वाइब्रेशन आएगा साहब और वाइब्रेशन से वो जो बंद है वो टूटना शुरू कर देंगे अगर वाइब्रेशन से बंद टूटना शुरू कर गए वाइब्रेशन हुआ और उनसे बंद आपके टूट गए तो ब, बहुत बढ़िया हो जाएगा क्या बढ़िया हो जाएगा उससे आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मिलते ही बात बन जाएगी क्लियर प्लीज एज हैंड्स समझ में आ गया क्या पखन यहां से तो परफेक्ट क्लियर कोई दिक्कत नहीं बढ़ जाए आगे चलो तो ये तो हो गया तरीका पर इसमें समस्या है भाई वाइब्रेशन से कितने एक तो बंद टूटेंगे कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे तो बस यही पंगा है यही पंगा है कि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आपको उतने प्राप्त नहीं हो पाएंगे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको उतने प्राप्त नहीं हो पाएंगे ठीक है चलिए बड़े आगे हाँ अब आते हैं अपन बाहे या अपद्रव्य आचार उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे उतनी अच्छी कंट्रो नहीं कर पाएगी ठीक है इसमें अपन क्या करते हैं जब अपन बाहे या अपद्रव्य की बात करते हैं ना तो इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं क्या मिलाते हैं अशुद्धि मिलाते हैं अब अशुद्धि वाले केस को ध्यान से समझने की कोशिश करना हम क्या कर रहे हैं हम सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिला रहे हैं अशुद्धि के रूप में जिसमें क्या करते हैं इसमें तापमान बढ़ाते हैं मतलब लिख सकते हो आप कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इसमें आप बेसिकली तापमान बढ़ाते हो और उससे फ्लो करती है इसमें आपने कुछ मिलाया नहीं है बाहर से और यहाँ आप अशुद्धि मिलाते हो मतलब यहाँ पे आप क्या ऐड करते हो यहाँ पे आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो है ना चलिए देखो कहे सीता जी सुने प्रभु के जस्ट पहले क्या है बैंगन आलू गाजर इन फैला और इसके बाद क्या है पाकिस्तान न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके ये बनाते हैं तीन बंद और ये बनाते हैं पांच बंद ध्यान से देखना ठीक है तो हिंदी में हम के स्टूडेंट यही की तरह हिंदी में करेंगे इंग्लिश में हिंदी में करो ना क्या करनी इंग्लिश में हिंदी में करो अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे तभी तो फोकस कर पाओगे हाँ बीच बीच में हिंदी इंग्लिश की टर्म्स को मैच करते हुए चलना चाहिए चलो तो ज़्यादा ध्यान दो आप हाँ जी तो सिलिकॉन में हम किसको मिला रहे हैं समझना सिलिकॉन को मिला सिलिकॉन के अंदर हम मिला रहे हैं फॉस्फोरस को अशुद्धि के रूप में अभी एक बार बताओ सिलिकॉन कितने बंद बनाता है चार बंद चार बंद बनाने का मतलब है इसके बाहितम कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं बंद के लिए फॉस्फोरस कितने बंद बनाता है फॉस्फोरस बनाता है पांच बंद फॉस्फोरस के पांच बंद बनाने का मतलब पता है आपको फॉस्फोरस के पांच बंद बनाने का मतलब उसमें पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहितम कोश में बिहार बोर्ड वाले बच्चों को कम्युनिकेशन सिस्टम भी पढ़ाया जाएगा अलग से पढ़ाया जाएगा मैं कोर्स फिनिश न्यू एनसीआर के हिसाब से बोल रहा हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों को हमने केमिस्ट्री में भी अलग पढ़ाया है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया पी ब्लॉक पढ़ाया ये भी पढ़ाएंगे चिंता मत करिए पर अभी चैप्टर फिनिश होने का मतलब है कि वो चैप्टर फिनिश हो रहा है किसी से कौन से बोर्ड के बच्चों के हिसाब से बोलो न्यू एनसीआरटी के हिसाब से तो जरूरी हो जाता है बेटा ठीक है सोस चलिए आते इधर तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अपन अशुद्धि मिलाते हैं इसमें पहला पार्ट आ रहा है कि अपन सिलिकॉन जो चारंद बनाता है उसमें किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं फॉस्फोरस की ध्यान दो बातें मत करो Fosforas का मतलब मतलब हो गया ऐसा बंदा जो बंद बनाता है मतलब उसके बाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच और सिलिकन के बाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सिलिकन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है चार ठीक है तो अशुद्धि मिलाने का मतलब होता है सिलिकॉन के अंदर हमने फॉस्फोरस को मिला के मिक्स कर दिया तो सिलिकॉन की जगह हटकर के सिलिकॉन की जगह हटकर के कौन आ जाएगा आ जाएगा बताओ Phosphorus कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा पांच इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देगा इस सिलिकॉन के साथ ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देगा भाई सिलिकॉन ने तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं बहुत अच्छी बात है तो फॉस्फोरस क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा इस सिलिकॉन के पास तो फॉस्फोरस के बाहतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन है उसमें से चार तो बंद बनाने में काम आ गए एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे ही पड़ा रहेगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन बंद में भाग नहीं ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ऐसे ही पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं क्या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्या हाँ सर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा करंट के लिए जिम्मेदार हो जाएगा आ गया मजा तो इसका मतलब अगर आप सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस मिलाओगे तो सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस मिलाने से आपको क्या प्राप्त होंगे खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी भूमिका निभा जाएंगे करंट की करंट के लिए को क्या चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ओके साहब आपकी मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा जब आप मुझे अप्रूव करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ वाइब्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए करंट फ्लो कर गई यहाँ वाइब्रेशन तो नहीं हुआ पर चार बंड बनाने वाले सिलिकॉन के अंदर हमने घुसपैठिए के तौर पे फास्फोरस को भेज दिया फॉस्फोरस नाम के घुसपैठी ने जाकर के चार के साथ तो बंद बना लिए पर एक इलेक्ट्रॉन उसका मुक्त हो गया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसका काम कर जाएगा करंट का काम कर जाएगा। हाथ ऊपर करके बता दीजिए समझ में आ गया तो हाथ ऊपर कर सकते हैं आप हम कर सकते हैं आप मक्खन लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं बट आपको कुछ ना कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिखना ही चाहिए अब क्या करेंगे सर अब और मजे करने वाले हैं ये हो गया एक प्रकार ठीक है अब हम सिलिकॉन के अंदर जो चार बंद बनाता है उसमें ऐड करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम कोई एल्यूमिनियम? अरे सर हाँ एल्युमिनियम एल्यूमिनियम कितने बंद बनाता है तीन बंद बनाता है ये सब तीन बंद इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो आप इनमें से कुछ ऐड कर अभी अपने इनमें से कुछ ऐड किया ठीक है साहब एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं अब प्रॉब्लम क्या है गुड सिलिकॉन चार बंद बनाता है चार बंद बनाने वाले सिलिकॉन में हमने तीन बंद बनाने वाले एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया चार बंद बनाने वाले सिलिकॉन में हमने तीन बंद बनाने वाले एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया चार बंद बनाने वाले सिलिकॉन में तीन बंद बनाने वाले एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया क्या होगा देखते हैं एनर्जी के साथ पड़ यार सोना नहीं है तो यहां पे सिलिकॉन को हटाइए और सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम को लगाइए एक एल्यूमिनियम के पास कितने बने तीन बंद बन, तीन इलेक्ट्रॉन एक यहां रख देगा एक यहां रख देगा एक यहां रख देगा एक जगह खाली रह जाएगी तो ये जगह रह गई खाली इसको बोलते हैं होल क्या बोलते हैं इसको होल कहते हैं छिद्र खाली रह गया भाई सिलिकॉन तो ने रख दिया अपने इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन का एल्यूमिनियम रख दिया सिलिकॉन ने रख दिया एल्यूमिनियम रख दिया सिलिकॉन ने रख दिया एल्यूनियम यहां सिलिकॉन ने रखा एल्यूमिनियम नहीं, नहीं रख पाया छिद्र रह गया चलो अब आप ध्यान से देखें एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक सरकारी ऑफिस के बाहर और वेट कर रहे हैं किसी सरकारी ऑफिसर का और उन सरकारी ऑफिसर सरकारी लोग जो बैठे हुए हैं मतलब सरकारी ऑफिसर का वेट हो रहा है बाहर लोग बैठे हुए हैं अगर ऐसी कुर्सी उनको मिल जाए ऐसी खाली कुर्सी जैसी यहां पे है ऐसी खाली कुर्सी उनको मिल जाए तो क्या होगा इस खाली कुर्सी को देख करके आपको नहीं लगता कि सबका मन ललचाता है कि हम भी जाके बैठ जाए हम भी जाके बैठ जाए हम भी जाके बैठ जाए, जाए होता है ऐसा चलो अब कहानी को थोड़ा चेंज करते हैं मान लो कि सब लोग बैठे हुए हैं पर एक ऐसी कुर्सी है एक ऐसी कुर्सी है जो बड़ी सुंदर है देखने में उस कुर्सी पे जाकर के कोई बैठता है अपनी कुर्सी छोड़ करके वो कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है तो कोई अगर अपनी कुर्सी छोड़ करके इस कुर्सी पर जाकर के बैठेगा तो आपको क्या लगता है जिस कुर्सी से वो आया है वो कुर्सी खाली नहीं होगी हो जाएगी हो खाली सही बात है फिर उस खाली कुर्सी को देख करके कोई तीसरा बंदा सोचेगा यार मेरी कुर्सी से अच्छी तो इसकी कुर्सी है तो वो वहां जाकर के बैठेगा तो उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी और इस प्रकार अच्छी 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 कुर्सी के चक्कर में सभी लोग गोल गोल घूमते रहेंगे और इसी को बोलते हैं राजनीति पॉलिटिक्स कोई भी अपनी कुर्सी से खुशी नहीं है उसकी कुर्सी बेहतर है फटाफट पट से उचक करके उस कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं ये कुर्सी खाली हो जाती है इस कुर्सी पे कोई और आके बैठता है फिर उस पर कोई और आके बैठता है और ऐसे कुकुर मुत्तों की तरह आप सभी कुर्सियों में गोल 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 घूमते रहते हैं अच्छी बात यहां भी ऐसा ही होगा इस छिद्र को देख करके आह जीप लपलपाई के नाम से यहां के इलेक्ट्रॉन सोचेंगे हम यहां चलते हैं जैसे यहां का इलेक्ट्रॉन इस छिद्र को भरने के लिए आएगा यहां पे छिद्र हो जाएगा फिर यहां के छिद्र को देख करके यहां का इलेक्ट्रॉन सोचेगा आहा जीप लपलपाई मैं भी चलता हूं उस छिद्र को भरने के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेगा इस इलेक्ट्रॉन के यहां पहुंचने पर यहां पर जगह खाली हो जाएगी उसके बाद यहां के इलेक्ट्रॉन की आहा जीप लपलपाई के चक्कर में वो यहां पहुंचेगा कहने का मतलब है ये छिद्र जो है इसको भरने के लिए आस पास से जहां भी जहां से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उस जगह छिद्र बन जाएगा फिर उस छिद्र को भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर उस छिद्र को भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर उस छिद्र को भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर उस छिद्र को भरने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे चलता रहेगा महोदय और यह रुकने वाला नहीं है मैंने फ्रेंकल दोष शॉर्ट के दोष में समझाया था सब कुछ आपको ऐसी बात नहीं है और यह रुकने वाला नहीं है तो कहने का मतलब इस एक गोल गोल छिद्र ने क्या किया सभी इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाया इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाने वाले को तो पॉजिटिव कहते हैं इसलिए इस छिद्र को अपन पॉजिटिव छिद्र के नाम से समझते हैं कि यहां पे एक ऐसा खाली जगह बन गई है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रही है और इलेक्ट्रॉन जहां से भी उठ के आ रहा है वहां छिद्र बन रहा है

यहां आ गया फिर यहां आ गया मतलब देखना इसको बढ़ने इलेक्ट्रॉन यहां से आया इस चित्र को बढ़ने यहां से इलेक्ट्रॉन गया इसको बढ़ने यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे सिस्टम में घूम रहा है अरे इलेक्ट्रॉन तुम आवेश हो और तुम जब भी घूमते हो तो उससे करंट पैदा होती है क्योंकि तो करंट का मतलब क्या है आवेश का प्रवाह तो यहां पर इस पॉजिटिव होल ने इस पॉजिटिव छिद्र ने सभी इलेक्ट्रॉनों को घुमा दिया है और इलेक्ट्रॉनों के घूमने से क्या बन जाती है करंट इसलिए यहां पे यह भी क्या उत्पन्न करेगा करंट तो यहां पे ये पॉजिटिव होल से करंट उत्पन्न हो गई और यहां पे इलेक्ट्रॉन से करंट उत्पन्न हो गई तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसे कहते हैं एन प्रकार अर्धचालक एन मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलते हैं एन टाइप एन प्रकार अर्धचालक और यहां पे पॉजिटिव होल ने अपना काम किया तो इसको बोलते हैं पी टाइप तो इस प्रकार अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं एक पॉजिटिव टाइप अर्धचालक जिसको अपन पी टाइप बोलते हैं पॉजिटिव छिद्र और एक नेगेटिव जिसको अपन बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक और इस प्रकार से अशुद्धि मिलाने से ऐसा होता है और अशुद्धि मिलाने के प्रकम को पता है प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है तो अशुद्धि मिलाने के प्रकम को क्या बोलते हैं अशुद्धि मिलाने के प्रकम को डोपिंग के नाम से जानते हैं अंग्रेजी भाषा में भी डोपिंग है बॉस और हिंदी भाषा में भी डोपिंग है ठीक है अभी लिखवाऊंगा लैंग्वेज थोड़ी बहुत रफ्तार बैच कहां पे चलेगा हंड्रेड परसेंट एप्लीकेशन में एट्टी डेज़ फ़िजिक्स और फिफ्टी फोर डेज़ केमिस्ट्री काउंट कर लो प्रॉपर तरीके से चल रही है चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर फिफ्टी फोर डेज में केमिस्ट्री का सेलेबस करने की बात हुई थी फोर्टी से फोर्टी फाइव डेज में ही वाइंड अप कर दिया और फिजिक्स में रफ्तार को मिला करके आप देखेंगे तो एट्टी डेज़ में पूरी फिजिक्स करवा दूंगा क्या चिंता करते हो सब प्लानिंग के साथ चलता है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एवरी इज़ प्लान्ड ओके रोहित जो बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको पता है अच्छे से चलो चलो हैश मक्खन इन द कमेंट में यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आगे बढ़ेंगे अब यहाँ तक पूरा समझ में आ गया क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बताओ मज़ा आ रहा है लिखवा दूँ थोड़ा सा चलो चतु संयोजी सिलिकॉन में जब पंच संयोजी फॉस्फोरस को मिलाते हैं कमेंट करके बताओ कौन से प्रकार का अर्धचालक बनता है और जब चतु संयोजी सिलिकॉन में तो अभी मक्खन हो गया बहुत बढ़िया क्या बात गुड तो चतुर्थ संयोजी सिलिकॉन में जब त्रि संयोजी त्रि संयोजी एल्यूमिनियम को मिलाते हैं संयोजी एल्यूमिनियम को मिलाते हैं कौन से प्रकार का अर्धचालक बनता है कमेंट करोगे तो याद आएगा मतलब संयोजी सिलिकॉन में जब पंच संयोजी फॉस्फोरस मिलाओगे तो एन प्रकार अर्धचालक बनता है और एन प्रकार अर्चालक को टेक्निकली ऐसे दिखाते हैं कि इसमें नेगेटिव खूब सारा होता है और थोड़े बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं ऐसी बात नहीं है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं से बंद टूटने के कारण चित्र बनी जाता है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है तो एन प्रकार अर्चालक है तो उसके अंदर नेगेटिव सबसे ज्यादा होगा और नीचे क्या बनेगा बेटा नीचे बनेगा पी प्रकार अर्धचालक और आप जब बुक्स वगैरह में पी प्रकार अर्धचालक का डायग्राम देखेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे क्या देखेंगे भाई कि उसके अंदर पॉजिटिव बहुत ज्यादा होता है प्लस का मतलब है पॉजिटिव छिद्र छिद्र को प्लस से दिखा रहे हैं किसे दिखा रहे हैं छिद्र को प्लस से दिखा रहे हैं जो छिद्र है इसको मैंने बताया ना ये पॉजिटिव होल की तरह काम करता है ये छिद्र किसकी तरह काम करता है छिद्र पॉजिटिव होल की तरह कार्य करता है यह छिद्र पॉजिटिव होल की तरह कार्य करता है इसको प्लस से दिखाते हैं तो छिद्र बहुत सारे होते हैं और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो वाइब्रेशन से उत्पन्न हुए भाई वाइब्रेशन से छिद्र भी बन सकता है इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा है थोड़े बहुत प्लस है और यहाँ प्लस बहुत ज्यादा है थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है थोड़े बहुत नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ऐसा तो यह है अन्य प्रकार अर्थ और यह है पी प्रकार अर्धचालक बोलिए साहब कोई दिक्कत परेशानी समझ आ गया अच्छे से अब हम आपको यह दिखाएंगे कि जब हम एक पी प्रकार अर्धचालक को एक N प्रकार अर्धचालक के साथ में जोड़ते हैं तो साहब क्या होता है क्या सीखेंगे कि जब एक पी प्रकार अर्धचालक को एक एन प्रकार अर्धचालक के साथ में जोड़ा जाता है तो क्या होता है पर उसको समझने के लिए आपको हंड्रेड परसेंट ये कहानी समझ में आनी चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है शुद्ध हंड्रेड परसेंट कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि यहाँ पे वाइब्रेशन से मुक्त इलेक्ट्रॉन बने यहाँ पे हमने फॉस्फोरोस को मिलाया उसके पास पांच इलेक्ट्रॉन थे चार बंद बनाने में काम आ गए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रोते फिर रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्राप्त हुआ तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है अगर हम एल्यूमिनियम को डाल देंगे तो वो तीन बंद बनाता है तो तीन मन बना लेगा एक जगह छिद्र रह जाएगा उस छिद्र के चक्कर में उस ये छिद्र उस कुर्सी की जगह है उस कुर्सी की तरह है जिसको भरने के लिए कोई अगर अपनी कुर्सी से उठ के आएगा तो उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी फिर कोई उसकी कुर्सी की जगह जाएगा तो उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी ऐसे इस कुर्सी को कोई नहीं भर पाएगा और इस कुर्सी के चक्कर में सभी लोग घूमते रह जाएंगे जैसे हमारे राजनेता कुर्सियों के चक्कर में घूमते रहते हैं समझ आ गया चलो ओके ये चीज हो गई हाँ एल्यूमिनियम का कुछ भी डाल लो ये डाल लो ये डालो ये लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया आपको तो क्या सीखा कि इनको मिक्स करते हैं तो समय कौन सा बनता है पी टाइप और इनको मिक्स करते हैं तो कौन सा बनता है एन टाइप ओके चलो तो अब समय आ गया है कि एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिक्स करने से क्या बनता है चलिए यह है आपके पास पी प्रकार अर्चालक और लेते हैं साहब ये आपके पास है एन प्रकार चलो ठीक है ओके साहब तो दिस इज पी सेमी टाइप सेमी कंडक्टर दिस इज एन टाइप सेमी कंडक्टर ओके पी टाइप सेमी कंडक्टर में पता है आपको प्लस खूब सारा होता है उसमें खूब सारा प्लस है इसमें खूब सारा माइनस है थोड़ा बहुत इसमें माइनस हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें थोड़ा बहुत प्लस चलेगा उसमें थोड़ा बहुत माइनस भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब अगर आप एक एन प्रकार अर्धचालक को अगर आप एक एन प्रकार अर्धचालक को एक पी प्रकार अर्धचालक के साथ जोड़ोगे क्या किया आपने आपने एक एन प्रकार अर्धचालक को एक पी प्रकार अर्धचालक के साथ जोड़ दिया मान लेते हैं यहां पे पी प्रकार है और यहां पे एन प्रकार है। क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं बड़ा इंटेलिजेंट के साथ में समझेंगे इंटेलिजेंस के साथ में समझेंगे सब समझ में आएगा आपको कोई चीज इस दुनिया में जहाँ ज्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाती है थोड़ा सा मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान आपसे ज़्यादा है तो मेरे से ज्ञान आप तक जा रहा है और आप यूट्यूब खोल करके आशीष सिंह लेक्चर चला करके इस वीडियो को देख रहे हो तो जो चीज़ जहां ज्यादा है वो वहां से किस तरफ भागती है कम की तरफ भागती है तो इसके पास प्लस बहुत ज्यादा है और इसके पास माइनस बहुत ज्यादा है तो प्लस यहां से यहां भागेगा और माइनस यहां से यहां भागेगा क्या इसमें कोई दिक्कत भाई जो चीज ज्यादा है वो वहां से उधर जाएगी ना जहां वो कम है ठीक तो पॉजिटिव कहाँ ज्यादा है पी में ज्यादा है तो यहां से इधर भागेगा और नेगेटिव किस तरफ ज्यादा है इधर ज्यादा है तो नेगेटिव इधर से उधर भागेगा तो यहां से प्लस ने इधर आना शुरू कर दिया खट 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 प्लस आ गया टा -टा -टा, टा -टा -टा, टा 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 प्लस आ गया टा 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 प्लस आ गया ओही और माइनस इधर से इधर जाएगा माइनस 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 ठीक है पक्का अब सोचो ये प्लस माइनस की जो नई बाउंड्री बन चुकी है ऐसी इस दुनिया में जहां भी प्लस माइनस पैदा हुआ है ना बेटा वहां पे एक विद्युत क्षेत्र भी अपने आप उत्पन्न हुआ है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है अब आपको सोचना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर से जितने भी प्लस हैं वो सब उधर भागना चाहते हैं क्यों क्योंकि तो मिक्सिंग करने पे तो प्लस उधर भागते हैं तो ये सारे प्लस जितने भी यहाँ पे प्लस हैं ये सारे प्लस उधर जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं जाओ और यहाँ जितने भी माइनस हैं ये सारे माइनस उधर जाना चाहते हैं पर एक दिक्कत है मैं समझाता हूँ क्या एक्चुअल में क्या होता है ना जब प्लस माइनस की ऐसे मिक्सिंग शुरू होती है तो यहाँ के माइनस इधर भागते हैं इधर के प्लस इधर भागते हैं और बीच में ऐसी एक बाउंड्री बन जाती है। इस बाउंड्री के कारण यहां पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो प्लस से माइनस की तरफ दिशा रखता है ऐसी अब कहानी यह है कि विद्युत क्षेत्र के बारे में कक्षा बारह में फिजिक्स के पहली किताब के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप एक पॉजिटिव आवेश को रखोगे तो वो पॉजिटिव आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा और नेगेटिव आवेश को रखोगे तो नेगेटिव आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत बल लगाएगा ऐसे ये पढ़ रखा है आपने ठीक है बल 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 प्लस बल, बल, बल। पे अपनी दिशा में माइनस पे विपरीत दिशा में तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करते हैं तो पी से प्लस इधर भागता है और एन से माइनस इधर भागता है ऐसे पर थोड़ी देर में ऐसे प्लस माइनस बनने के कारण एक विद्युत क्षेत्र बनना शुरू होता है अब क्षेत्र एक गाना गाता है किसके लिए लिए इस प्लस के जाने तुझे देंगे नहीं जाने तुझे देंगे नहीं जाने देने हम तुझे नहीं जाने देंगे यहां पे इस माइनस के लिए भी विद्युत क्षेत्र यही गाना गाता है जाने नहीं देंगे तुझे, तुझे नहीं जाने तुझे देंगे नहीं मतलब क्यों क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस पे बल लगता है तो अब अगर ये प्लस चाहे कि मैं उस तरफ जाऊं तो ये विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगा के इस प्लस को बोलेगा चुपचाप अपने घर में बैठा रहे ऐसे बल लगाएगा इसके ऊपर और अगर ये माइनस यहां वाला माइनस ये माइनस अगर उधर जाना चाहे तो विद्युत क्षेत्र माइनस के ऊपर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है तो ये इस पे ऐसे बल लगाएगा और इसको बोलेगा चुपचाप बैठा रहे इधर मतलब स्टार्टिंग में तो मिक्सिंग होती है पर मिक्सिंग होने के कारण जब प्लस इधर आ जाता है और माइनस इधर आ जाता है तो यहां पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो और ज्यादा प्लस को इधर नहीं जाने दे रहा और और ज्यादा माइनस को इधर नहीं आने दे रहा तो 100 परसेंट मिक्सिंग नहीं हो पाएगी थोड़ी बहुत होगी उसके बाद में एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा उसके बाद में एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा उसके बाद में एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा उसके बाद में एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा जो और प्लस को इधर नहीं जाने देगा और और माइनस को उधर नहीं जाने देगा ये इसको रोक देगा और ये इसको रोक देगा समझ रहे हो क्या और इस विद्युत क्षेत्र ने एक प्राचीर की तरह काम किया दीवार की तरह काम किया है तो इस विद्युत क्षेत्र को कहते हैं प्राचीर विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं प्राचीर विद्युत क्षेत्र और यहां पे पोटेंशियल भी आ गया ये एक छोटी बैटरी की तरह काम कर रहा है जो नेगेटिव टर्मिनल हो गया ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया तो इसको बोलते हैं प्राचीर विभव यहां पर एक बैटरी बन गई है छोटी सी ऐसा मान लो तो ये हो गया आपका प्राचीर विभव जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर जिसको क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर आराम से देखो समझो और फिर कमेंट करके बताओ समझ आया नहीं आया फिर आगे बढ़ेंगे अपन सर समझ आ गया सर समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया एस टी वाला मक्खन ठीक है डेफिनेशन में लिख लेंगे क्या दिक्कत है तो बेटा जब पी टाइप और एन टाइप को ऐसे अपन मिक्स करते हैं वापस समझा दूँ एक बार आपको समझा दें वापस <laughs> थोड़ी सी डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगी डेफिनेशन बेटा मैं समझाने का काम कर रहा हूँ आज मैं आपको फील कराने आया हूँ ना भाई तो फील करो ना सुनो क्या बात है अगर आप प्लस और माइनस को मिक्स करोगे तो स्टार्टिंग में तो वही होगा जो होना चाहिए जो चीज़ ज़्यादा है वो वहां जाएगी जहां कम है तो प्लस सारे इधर भाग जाएंगे माइनस सारे इधर भाग जाएंगे बट बीच में क्या होगा थोड़ी देर बाद में ये प्लस माइनस के जाने आने के कारण एक ऐसा बैरियर बनेगा एक ऐसा प्राचीर बनेगी जहां एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस दिशा में इस दिशा में ये विद्युत क्षेत्र अब इस प्लस के ऊपर उधर बल लगाएगा तो यहाँ के सारे प्लस को उधर रखेगा और माइनस को इधर रखेगा ना माइनस को उधर आने देगा ना प्लस को उधर आने देगा मतलब ये प्राचीर विद्युत क्षेत्र जो है मैं ये कह सकता हूं कि यह यह प्लस माइनस के आगे मूवमेंट को रोक देगा यह कह सकता हूँ सिंपल भाषा में मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को आप सिंपल भाषा में फील करो तो आगे मूवमेंट को क्या कर देगा ये आगे मूवमेंट को रोक देगा सही ना बेटा तो दिक्कत परेशानी पक्का कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो पहले क्या था पहले विभव जीरो था अब यह वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट हो गया नेगेटिव विभव पे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव विभव पे तो इस प्रकार ऐसे एक बैरियर पोटेंशियल आप कह सकते हो क्रिएट हो गया यहाँ पे यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया पहले जीरो था पहले जीरो था साहब पहले जीरो था नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे क्रिएट हो गया पहले जीरो था अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो गए ये पॉइंट चला गया नेगेटिव पोटेंशियल चला गया पॉजिटिव पे तो ऐसे आप कह सकते हो कि प्लस माइनस जो है वो क्रिएट हो चुका इसको आप एक के साथ में जोड़ दीजिए और इसको आप एक चौंच के साथ में जोड़ दीजिए तो इस चीज को कहते हैं पी और एन की हो गई संधि और पी और एन की जब संधि हो जाती है तो ये बन जाता है पीएन संधि डायोड तो ये जो आफत आपको दिख रही है इसका एक नाम है अगर इन दोनों के आप चोंच लगा दोगे तो ये बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड तो अभी अभी जिस टॉपिक को आप मजे मजे में पढ़ रहे थे वो टॉपिक क्या था पीएन जंक्शन डायोड था अभी अभी जिस टॉपिक को आपने मजे मक्खन में पढ़ लिया उस टॉपिक का नाम क्या था पीएन जंक्शन नेगेटिव होता है किसने कहा तुमको पॉजिटिव होता है बेटा ऐसे मत करो यार ठीक है फोटो में प्योर एंड सही है बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही है बोलिए सब पढ़ाऊंगा अभी चिंता मत करो जो पढ़ाते जा रहा हूँ वो पढ़ते हो बस शांति से पढ़ते हो सबको समझा देंगे आपको घबराना नहीं है इसको शो कैसे करते हैं पी प्रकार को ऐसे दिखाते हैं एन को ऐसे दिखाते हैं तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड तो इस पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक जो है वो ऐसा है और इस परत का एक नाम और है बेटा वो भी समझ लो इसको कहते हैं अवशय परत क्या बोलते हैं इसको अवशय परत इसको अवशय परत के नाम से भी जानते हैं। मस्त परफेक्ट बढ़ जाए आगे कोई दिक्कत नहीं है पीएन जंक्शन डायोड क्लियर हो गया पीएन जंक्शन डायोड क्लियर हो गया अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा फील करना चाहते हैं ना उनको अच्छे से फील करवाता हूँ यहाँ बहुत सारे होल्स हैं प्लस 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 या होल हैं छिद्र हैं या इलेक्ट्रॉन है तो जब मिक्स करते हैं ना तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो यहाँ के छिद्र भर जाते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इधर आते हैं तो यहाँ छिद्र बन जाते हैं अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां से नेगेटिव चला गया तो आप कह सकते हो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे और इस जगह पे देखेंगे तो यहां नेगेटिव ज्यादा हो जाता है या नेगेटिव कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इस जगह नेगेटिव ज्यादा है तो यहां माइनस पोटेंशियल क्रिएट होता है और इस जगह नेगेटिव कम हो गया तो यहां पे प्लस पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और ऐसे यहां पे प्लस माइनस बनता है तो अगर आप प्लस को एक छिद्र के दृष्टिकोण से देख रहे हो तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे या खूब सारे छेद थे तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इन छेद को भरने भागेंगे तो यहां पे छेद क्रिएट हो जाएगा उस छेद को प्लस बोल रहे हैं अपन ऐसे है तो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो टॉपिक तो समझ में आ ही जाना चाहिए ठीक है अब बोलो पी का मतलब है पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है छिद्र छिद्र को अपन प्लस बोल रहे हैं सिंपल ओके छिद्र इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ और बोलिए अब ठीक है बढ़ जाए आगे चलो पक्का बेटा कुछ तो बोलो प्रभु चलो ठीक है अब हम पढ़ेंगे बाई सिंह बाई सिंह बाई सिंह का मतलब होता है बाई सिंह इंग्लिश में भी बाई सिंह हिंदी में भी बाई सिंह बाइसिंग का वैसे मतलब क्या होता है वो समझिए बाइसिंग का वैसे मतलब होता है डायोड को बैटरी से जोड़ना सिंपल इसको बोलते हैं अपन बाइसिंग बैटरी को बैटरी से जोड़ना ठीक चलिए ये भी बेसिकली दो प्रकार की होती है एक होता है अग्र बायस इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है पश्च बायस इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग शुरू करें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का क्या मतलब है प्यार से समझेंगे सब समझ में आएगा अगर आपके पास जो डायोड है ये डायोड आपका कैसे दिखता है ये पी है ये एन है आपका जो डायोड है उस डायोड में ये पी है या एन है ठीक है साहब अगर आप पी को बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जोड़ो और एन को बैटरी के नेगेटिव हिस्से से तो पी को जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा बाद में बात की बात है और जब आप ऐसा करते हैं जब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो हम इसे अग्र बायस या फॉरवर्ड बायसिंग के नाम से जानते हैं और जब बैटरी के पी को पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो फिर यह कहलाता है रिवर्स बाइसिंग इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग से होगा क्या वो समझेंगे पर पहले आप ये देखिए कि डायोड के पी को अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया डायोड के पी को अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया तो वो है और नेगेटिव को नेगेटिव से नेगेटिव का एन से तो ये है पॉजिटिव बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग और ये है रिवर्स अब इसमें क्या होगा समझेंगे ध्यान से देखिए इस हिस्से को जोड़ दिया आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इस हिस्से को जोड़ दिया आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्लस प्लस को क्या देगा धक्का माइनस माइनस को क्या देगा धक्का मतलब प्लस प्लस को धक्का देकर के ये बोलेगा कि चल रहे है? उस तरफ जा और माइनस इस माइनस को धक्का देकर यह बोलेगा कि सुन रहे है? इस तरफ जा मतलब ये कोशिश करेंगे ये प्लस माइनस अगर आपने इस प्रकार से लगाए तो ये क्या कोशिश करेंगे ये कोशिश करेंगे कि यहां से प्लस उधर जाए और यहां से माइनस इधर आए मतलब करंट फ्लो करे क्योंकि तो प्लस अगर इधर गया माइनस अगर इधर आया तो क्या होगा करंट फ्लो करेगी विपिन आराम से समझो सब समझ में आएगा विपिन आराम से समझो बातचीत मत करो बेटा कमेंट सेक्शन में सब समझ में आ जाएगा मैं इधरा दूंगा फील थोड़ा सा वेट कर लो बच्चे क्लास में बैठे हैं मेरे को सबका ध्यान रखना है सुनो ध्यान से अगर आपने इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया और इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया तो प्लस क्या करेगा प्लस देगा धक्का दे धक्का तो यहां पे जो प्लस है ये प्लस क्या करेगा इधर धक्का देगा कि नहीं देगा इसको कि भाई ये प्लस जो है इस प्लस को इधर धक्का देगा कि नहीं देगा बताओ देगा ना सही बात है और जो माइनस है ये माइनस भी यही करेगा इतने डायग्राम बनाना कोई बात नहीं ये माइनस भी इसको इधर धक्का देगा और ये प्लस भी इसको इधर धक्का देगा तो प्लस माइनस के धक्का देने के कारण इलेक्ट्रॉन प्लस जो है जितना भी प्लस है यहाँ पे ये यह सब कहा भागना चाहेगा उधर भागना चाहेगा और सारा माइनस कहाँ भागना चाहेगा इधर भागना चाहेगा अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं सुनो। तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं ये आप जो विभव लगा रहे हो वो है और ये करंट है अब आपको ऐसा समझाएंगे, कि आपको फीलिंग भी आएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी एक बार इस डायग्राम को पूरा ले लेते हैं किसी पेज के ऊपर नहीं 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 अब आ जाएगा समझ में सब इन सबको भूल जाओ इन सबको भूल जाओ अब इन सब की जरूरत नहीं है चलो तो इसको रहने दो हमने क्या किया हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया ठीक है और यहां पे इसका वोल्टेज भी है अब यहां पर इस जगह भी एक उल्टा वोल्टेज लगा हुआ है जिसका नाम है वी बी वी बी को क्या बोलते हैं अपन प्राचीर विभव बैरियर पोटेंशियल ध्यान तो सुनना यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है यहां अंदर भी एक प्लस माइनस है और उसका काम है वो इस प्लस के लिए गाना गाता है जाने नहीं देंगे तो जे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं सही है और नेगेटिव के लिए भी सेम गाना गाता है मान लेते हैं इस प्राचीर विभव का मान है पांच वोल्ट अगर तुमने यहां से लगाया एक वोल्ट तो ये प्लस इस प्लस को बोलेगा भाग उधर भाग ये प्लस जैसे ही यहां पे जाके खड़ा होगा कि मुझे ये क्रॉस करके उधर जाना है या ये माइनस यहां आके खड़ा होगा कि मेरे को क्रॉस करके उधर जाना है क्योंकि माइनस इस माइनस को इधर भेजेगा ये माइनस जो है ये इसको इधर धक्का देगा कि तू उधर भाग तू तो इधर भाग प्लस को बोलेगा कि तू उधर भाग सही है ना ये प्लस इस प्लस को धक्का देकर इधर भेजेगा और ये माइनस इस माइनस को धक्का देकर इधर भेजेगा तो ये जो प्लस है ये इस प्लस को बोलेगा भाग उधर तो प्लस जैसे ही दीवार पर जाके खड़ा होगा वो बोलेगा मुझे जाने दो ये दीवार बोलेगी तेरा दिमाग खराब है क्या जब पी जंक्शन डाइवर्ट बना था तो हमने तेरे को कहा तो था कि हमें क्रॉस करना आप तेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र जो है आपका वो तेरे को उधर जाने नहीं देगा तेरे को मना किया था ना काय को आगे उठ करके बोले वो बात मत कर मेरे से मेरे पास किसी का सपोर्ट है मेरे पास किसी का सपोर्ट है किसका सपोर्ट है बाहर से एक बैटरी आई है कितना सपोर्ट है एक वोल्ट वैसे हाथ करेगा एक बात बता मेरे पास कितना वोल्ट है ये बोल रहा है पांच वोल्ट और तेर को सपोर्ट करने वाले के पास कितना वोल्ट है एक वोल्ट चुपचाप निकलो तो तीन थप्पड़ पड़ेंगे सुबह तक तो उठोगे नहीं तो प्रोटॉन वापस आ जाता है नहीं जा पाता ठीक है साहब दो वोल्ट फिर थप्पड़ पड़ता है फिर वापस आ जाता है तीन वोल्ट चार वोल्ट पांच वोल्ट छ वोल्ट जैसे ये छ वोल्ट होता है बाहर से ये प्लस जाके बोलता है हमें रोकने वाली शक्ति तेरे पास कितना पैसा है पांच वोल्ट हम कितना लेके आए हैं छह वोल्ट अब अगर हमें रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हारे तीन थप्पड़ मारेंगे और हम तो उधर जाएंगे ही जाएंगे ठीक है तो यहां से क्या होता है यहां से प्लस उधर भाग जाता है और यहां से माइनस इधर आ जाता है समझ रहे हैं क्या मिक्सिंग शुरू हो जाती है साहब मिक्सिंग मतलब अगर आप ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज के बीच में तो पांच वोल्ट तक तो कोई करंट नहीं है समझना क्योंकि पांच वोल्ट तक तो इस बैटरी का रोल शुरू नहीं होता पर पांच वोल्ट के बाद में करंट जो है वो बढ़ती भी चली जाएगी बढ़ती भी चली जाएगी बढ़ती भी चली जाएगी मतलब यहां पे जो बैरियर पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल तक करंट जीरो ओहो ओहो, ओहो की बाद बढ़ेगी टाउन टाउन दिक्कत एक बात और बता दें हम आपको आप शायद भूल रहे हैं ये जो माइनस है ना ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसको बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश जो ज्यादा है इसको बोलते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक और यहां प्लस बहुत कम है तो इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक अगर आपको इनकी अंग्रेजी भी चाहिए तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर और ये क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चलो एक सवाल पूछते हैं आप सभी से सिंपल भाषा में बोलें तो ये है हाथी और ये है चूहा एक सवाल पूछें। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूहा कौन है सॉरी इधर इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूहा कौन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में चूहा कौन है एन टाइप कहां पॉजिटिव है गधे हो क्या एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट किया है ना हमने ये देखो एंड टे पी पॉजिटिव सकनेटेड ध्यान दो इधर बातें मत बनाओ फालतू तो की इधर देखो इसमें मुझे कमेंट करके बताओ अंकिता दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा सब कुछ हम्म बताइए चूहा कौन है सवाल पूछ रहे हैं आपसे माइनस चूहा है बिल्कुल सही और इसमें बिल्कुल सही समझे परफेक्ट 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 इसमें ये चूहा है चूहा मतलब अल्पसंख्यक आवेशवाहक प्लस जो है ये इसमें हाथी है ठीक है अब एक बात बताओ जब हम अग्र बायस करते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग तो है को प्लस 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 को 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 से 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 जोड़ना 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 फॉरवर्ड बायस है ना फॉरवर्ड बायस में अब देखो पी टाइप ये पी टाइप था पी टाइप में थोड़े बहुत चूहे भी होंगे और एन टाइप में थोड़े बहुत चूहे भी होंगे ठीक है तो पी टाइप में जब करंट फ्लो करेगी इसके बाद इसके बाद तो ये पॉजिटिव उधर जाएंगे है ना और नेगेटिव इधर आएंगे तो आप देख पा रहे हो अग्र बायस में जब करंट फ्लो करती है तो कौन इधर से इधर और इधर से इधर होता है चूहा की हाथी हाथी होता है क्योंकि तो इसका जो हाथी है वो इधर जाता है और इसका जो हाथी है वो इधर आता है मतलब हम ये बात सीधी सीधी बोल सकते हैं कि अग्र बायस में करंट फ्लो करेगी पहली बात तो करंट प्रवाहित होगी पहली बात और दूसरा किसके द्वारा होगी बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण होगी बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण क्या सही है क्या बच्चा पार्टी हाथ ऊपर करके बोलेंगे और ध्यान रखना ये करंट किस में होती है ये करंट मिली एम्पियर में होती है ठीक है मिली मतलब दस की माइनस तीन इस ऑर्डर में होती है सही है अमित केसी इसमें कुछ था ही नहीं बेटा इतना आसान चीज तो थी स्टार्टिंग से फोकस नहीं था क्या क्लास में आ तो फटाफट अवश्य परत की बात बाद में करेंगे जब प्लस इधर भागेगा और माइनस इधर भागेगा तो बीच की दीवार तो कमजोर होगी ना दीवार छोटी होगी कमजोर होगी तभी तो भागना होगा इधर उधर तो अवश्य के बाद में बात करेंगे डन आगे बढ़े चलो साहब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको थोड़ा सा अब देखते हैं पश्च बायस में क्या होगा है अब पश्च बायस को समझने की कोशिश करते हैं पूरा फोकस करना पश्चिम बायस के ऊपर अब मैं आपको पश्चिम बायस समझाने जा रहा हूं पश्च बायस में इसको जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पी को नेगेटिव से और एन को जोड़ देंगे पॉजिटिव से तो इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से इसको जोड़ दिया नेगेटिव से ये हो गया आपका पश्चिम बायस तो यहाँ ध्यान से मेरी बात सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा आपको क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हो छोटी सी बात है कौन सी बात <coughs> ये जो प्लस दिख रहा है आपको अगर आपने ऐसे बैटरी लगाई तो ये बैटरी ये बैटरी ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को आपने पीछे जोड़ दिया तो यहाँ जो नेगेटिव है ये इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तो ये सारे प्लस को इधर खींचेगा और ये माइनस ये पॉजिटिव इस माइनस को इधर खींचेगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा बताओ क्या होगा अगर ये प्लस को इधर खींचेगा और इस माइनस को इधर खींचेगा तो मिक्स होने की जगह करंट फ्लो करवाने की जगह आपको नहीं लगता ये दूर दूर हो जाएंगे प्लस उधर माइनस इधर करंट कब फ्लो करती है जब ऐसे हो प्लस उधर जाए माइनस इधर आए ऐसा तो हो नहीं रहा ये उधर जा रहा है और ये उधर जा रहा है दोनों तो खिंच रहे हैं इस तरफ क्या करंट फ्लो करेगी यस या नो क्या करंट फ्लो करेगी यस या नो क्या करंट फ्लो करेगी यस या नो ग्राह वापस समझा दूंगा चिंता मत करो इधर जान दो पहले यस या नो मैं सवाल वापस पूछता हूँ करंट फ्लो करती है जब इस चैनल गेट से प्लस इधर जाए और माइनस इधर आए ये मिक्स होंगे तो करंट फ्लो करेगी यहां से कुछ गुजरेगा तो करंट फ्लो करेगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इस प्लस को इधर खींच लिया और इस माइनस को इधर खींच लिया ये मिक्स नहीं हो पा रहे तो अब बताओ करंट फ्लो करेगी नहीं करेगी अब सही जवाब आ रहा है अब सही जवाब आ रहा है नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी वेरी गुड तो पश्चिम बायस में करंट फ्लो नहीं करती है किसके कारण क्या ये हाथी जा पाएंगे उधर ये हाथी उधर नहीं जा सकता क्योंकि ये माइनस खींच रहा है इसको इस तरफ और यहां का हाथी इधर नहीं आ सकता क्योंकि इसको ये प्लस खींच रहा है ये प्लस और ये माइनस कहां से आए बैटरी से आए मतलब यहां पे हाथी चैनल गेट क्रॉस नहीं कर सकते सही है ना और यहां हाथी कर रहे थे तो यहां पे यहां हाथी हाथी ये प्लस उधर जा सकता है माइनस यहां आ सकता है क्योंकि तो ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है यहां हाथी चैनल गेट चैनल गेट समझ गया गे ना बीच में जो गेट लगा हुआ है ये गेट टक्क वाला क्रॉस कर सकते हैं बस उनकी पावर इससे ज्यादा होनी चाहिए बीबी से ज्यादा होनी चाहिए यह का कैप्सूल है आसान भाषा में मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक जा सकते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक जा सकते हैं परंतु जब वो गेट पे खड़े होंगे तो ये गेट रोकेगा उनको क्योंकि यहां एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है प्राचीर विद्युत क्षेत्र प्राचीर विद्युत विभाव अगर इससे ज्यादा वोल्टेज इसके पास है तो जा सकते हो और इससे कम है तो नहीं जा सकते इसलिए पांच वोल्ट से कम अगर आपने वी इन बोलते हैं इसको इनपुट ये इनपुट होता है जो हमने दिया अगर आपका वी इनपुट जो आप लगा रहे हो अगर वो प्राचीर से कम है तो इस प्लस को यहां पे तीन थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा और अगर इस प्लस के पास आपके द्वारा दिया हुआ वोल्टेज ज्यादा है तो हाथी यहां से यहां जा सकता है सिंपल सी बात पेपर में हाथी लिख के नहीं आना योगे समझाने के लिए भाई प्रभु मालिक ऐसा नहीं करना तो हाथी चैनल गेट क्रॉस नहीं कर सकते क्यों यहां तो हाथियों के साथ अत्याचार हो रहा है यहां तो ये मदद कर रहा था इसकी कि प्लस तू जा माइनस तू जा यहां तो ये रोक रहा है इसको भाई तू मत जा मैं नेगेटिव तेरे को रोक के रखूंगी मैं पॉजिटिव तुम नेगेटिव को रोक के रखूंगी हाथी नहीं जा सकते और जहां हाथी नहीं जा सकते कोई बात नहीं हाथी नहीं जा सकता कोई बात नहीं चूहा तो जा सकता है चूहे को देखो ये चूहा चूहा नेगेटिव नेगेटिव धक्का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण पर ये चूहा भी तो है तो ये जो चूहा बैठा है इधर और ये जो चूहा बैठा है इधर नेगेटिव इस नेगेटिव के कारण उधर जाएगा और इस प्लस के कारण ये प्लस इधर आएगा तो मतलब हाथी नहीं जा सकता और चूहा जा सकता है ये बात है चूहा कौन है इस जगह अधिकांश है पॉजिटिव था बट थोड़े नेगेटिव भी तो थे बताया था मैंने बहुसंख्यक का आवेश वहां खाती हैं, पर इसमें थोड़े बहुत प्लस भी तो हैं चूहे और इसमें अधिकतर प्लस है पर थोड़े बहुत चूहे माइनस भी है, तो हैं तो यहाँ पे करंट किसके कारण फ्लो कर सकती है चूहे के कारण कर सकती है चूहा जा सकता है तो यहां थोड़ी बहुत करंट किसके कारण आ सकती है चूहे के कारण तो यहां पे वोल्टेज आपने नेगेटिव लगाई है ग्राफ नेगेटिव में चलेगा स्टार्टिंग में चूहे कितने हो जाएंगे भाई चूहे थोड़े बहुत ही होते हैं तो थोड़े बहुत चूहे 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 हल्की हल्की करंट लेके आएंगे तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे चूहा हल्की हल्की करंट लेके आएगा तो ये करंट किसमें होगी माइक्रो एम्पियर में दस की घात माइनस छ देख रहे हो आप जब हाथी करंट लेके आ रहा था तो करंट किसमें थी मिली एम्पियर में दस की घात माइनस तीन और जब चूहा करंट लेके आ रहा है मेन करंट तो चली नहीं चूहे की करंट इतनी कम है कि उसको लगभग जीरो ही मान लो तो लिख रहे हैं अपन वैसे लिखते तो अपन ऐसे ही है कि करंट जीरो ही है भाई बहुसंख्यक आवेश के कारण करंट नहीं है ना तो वो जीरो ही मानी जाएगी पर थोड़ी बहुत करंट चूहा लेके आ रहा है तो उसको लिख लेते हैं तो चूहा थोड़ी बहुत करंट लेकर के आएगा ऐसे कोई तो दिक्कत नहीं चूहा थोड़ी बहुत करंट लेके आएगा चूहा ये यहाँ जो चूहे हैं ना नेगेटिव सारे नेगेटिव देखो यहाँ जो नेगेटिव इधर से आए हैं और ये जो पॉजिटिव है वो इधर से आए इधर खुद के भी तो नेगेटिव थे वो नेगेटिव उधर जा सकते हैं और इसके जो तो थोड़े बहुत प्लस थे वो यहाँ आ सकते हैं चूहा थोड़ा बहुत जा सकता है गौरव झा हाथी के बच्चे जा सकते हैं पढ़ ले भाई पढ़ ले इंपॉर्टेंट टॉपिक है मजाक में बोला रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, नहीं कि मजाक है तो यहाँ क्या बोलोगे आप यहाँ करंट प्रभावित प्रवाहित नहीं होगी अब ये मत बोलना सर अभी आप आपने तो कहा चूहे करते हैं चूहों की करंट की वैल्यू नहीं है करंट प्रवाहित नहीं होगी हमारे घर में हाथी आएगा तो घर में दिक्कत होगी कि चूहे क्या आने से चूहे को तो मार के भगा देंगे अपन तो यहां अपन ये बोलेंगे करंट प्रवाहित नहीं होगी मतलब बहुसंख्यक आवेश के कारण बहुसंख्यक आवेश के कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी ठीक है बताओ लिख लो अल्पसंख्यक के कारण थोड़ी सी धारा अल्पसंख्यक के कारण अल्पसंख्यक वाहक के कारण अति सूक्ष्म धारा माइक्रो एम्पियर में एक कारण अति सूक्ष्म धारा माइक्रो एम्पियर में प्राप्त होती है माइक्रो एम्पियर में प्राप्त होती है। बोलो साहब अभी बात बताऊं एक सवाल पूछूं बुरा तो नहीं मानोगे पूछूं इस बैटरी ने इसकी जिंदगी खराब कर दी ना यहां माइनस लगा दिया जिसके कारण सारे हाथियों को ये उधर खींच रहा है ओ हो किचो, 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 किचो। इन सारे माइनस को ये प्लस इधर खींच रहा है है ना इसके कारण क्या हो रहा है तुमको नहीं लग रहा यहाँ पे तनाव की स्थिति पैदा हो गई है सारे प्लस उधर खिंच रहे हैं सारे माइनस इधर खिंच रहे हैं दोनों तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं करंट फ्लो नहीं कर पा रही तो दोनों हाथी खींच रहे हैं दोनों हाथी खिंच रहे हैं इस प्लस को ये माइनस खींच रहा है इस माइनस को ये खींच रहा है ये मिक्स नहीं हो पा रहे करंट फ्लो नहीं कर रही बीच में चूहे थोड़े बहुत जाके करंट फ्लो करा रहे हैं पर तो उस करंट की कोई वैल्यू नहीं है पर आप जब ऐसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे ऐसे सोचो ना तुम्हारा हाथ यहाँ से कोई पकड़ ले ऐसे तुम्हारा ये हाथ यहाँ से कोई पकड़ ले और खींचे थोड़ा सा खींचे तुम सहन करोगे और थोड़ा खींचे तुम सहन करोगे और थोड़ा खींचे तुम सहन करोगे और थोड़ा खींचे तुम सहन करोगे लास्ट में क्या होगा तुम्हारे साथ कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे हाथ को ऐसे पकड़ के कोई खींच रहा हो खींचता जा रहा है खींचता जा रहा है खिस जा रहा है किससे जा रहा है खींचा जा रहा है ये प्लस उधर खिंच रहा है माइनस उधर खिंच रहा है खींचता जा रहा है खिंचता जा रहा है खिंचता जा रहा है खिंचता जा रहा है खींचता जा रहा है क्या होगा लास्ट में क्या होगा भाई अबे मोए मोए नहीं होगा रिपोर्ट पड़ेगी लास्ट में क्या होगा ये बताओ मोए मोए फट जाओगे टमाटर की तरह ऐसे ही यहां पे अगर आप इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब डायोड फट जाएगा और डायोड के फटने से ये सिंपल एक तार का टुकड़ा बचेगा अंदर का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा और अंट संट करंट फ्लो करेगी मतलब यहां पे इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज भंजन वोल्टता एक ऐसा आएगा जब टूट जाएगा उस जिस वोल्टेज पे टूटेगा इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज भंजन वोल्टता भंजन वोल्टता के बाद सारे आवेश और टूट गया ये अब सारे आवेश वाहक माइनस प्लस की बचीट चल रही है कोई किधर भाग रहा है अंट भागेंगे और भयंकर करंट फ्लो करेगी देखो आप भयंकर करंट फ्लो करेगी क्योंकि लास्ट में टूट गया ना अब टूटने के बाद जितने भी आवेश वाहक थे वो सारे सर्किट में चक 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 घूमना शुरू कर देंगे ये प्लस जो है यहां से टूट करके इस माइनस के पास जाएगा फिर घूमने लग जाएगा सर्किट में ऐसे लास्ट में इस पॉइंट के बाद में वोल्टेज तो नहीं बढ़ेगा बट करंट जो है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगी और इसको बोलते हैं भंजन वोल्टता क्या बोलते हैं भंजन वोल्टता तो बोलते हैं भंजन वोल्टता ब्रेकडाउन हो जाएगा यहां पे आके क्या बोलते हैं इसको भंजन वोल्टता क्या बोलते हैं भंजन वोल्टता ठीक है बस इतनी चीज़ थी चलो साहब अब इसका रिवीजन कराते हैं फिर एक ब्रेक देंगे आपको छोटा सा पांच मिनट का जीवन में शांति के लिए है ना उस शांति पाठ के अंदर आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करना फिर एक ऐसा टॉपिक बढ़ाऊंगा जहाँ से सवाल आता है ठीक है जहाँ से सवाल आता है वो बताऊँगा ठीक है तो तुम अपने आप को कबूतर मानते हुए ये हाथी और चूहों की कहानी को सही समझ लो नहीं तो ये हाथी तुम्हारे ऊपर से निकलेगा किसी दिन ध्यान रखना इसके नोट्स में आपको सारी लैंग्वेज मिल जाएगी जो मैंने बोली है सब नोट्स में मिल जाएगा परेशान नहीं होना है सारा नोट्स में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो समझ लो आपके मैं रिविज़न करा के आपको पाँच मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ फिर वापस समझाऊंगा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का तीन प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं चालक वापस समझा रहा हूँ सब कुछ ध्यान सुन लेना सब लोग तीन प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं मोए मोए हो जाएगा ना तो तुम्हारा तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं चालक अचालक और अर्चालक करंट फ्लो कराने वाले चालक करंट फ्लो नहीं कराने वाले अचालक और जो करंट तापमान बढ़ाने पे या पे या अशुद्धि मिलाने फ्लो वो होते हैं तापमान बढ़ाने पर वाइब्रेशन होता है बीच के बंद टूट जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसलिए करंट फ्लो होती है अशुद्धि में दो ऑप्शन है यदि आपने इनसे ज्यादा बंद मिलाने वाले बंदे को मिलाया तो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बचने के कारण एन टाइप सेमी बनेगा तो एन टाइप सेमी में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खूब सारे होते हैं प्लस बहुत कम होता है इधर आएंगे तो यहां आप अशुद्धि के रूप में मिलाते हो इनसे कम बंद बनाने वाले बंदे को तो जैसे आपने मिलाया है एल्यूमिनियम को तो वो चार की जगह तीन ही बंद बनाएगा और छिद्र बच जाएगा और उस छिद्र को बोलते हैं पॉजिटिव क्यों क्योंकि उस छिद्र को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देते हैं तो वो होता है पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 छिद्र काफी सारे होते हैं थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो वाइब्रेशन के कारण तो प्लस और चूहा है इलेक्ट्रॉन इसमें हाथी है इलेक्ट्रॉन और चूहा है थोड़े बहुत पॉजिटिव प्लस क्लियर आगे बढ़े अब आपका आता है कि जब आप चूहा हाथी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा होता यह है जब इनको मिक्स करेंगे तो यहां से प्लस ज़्यादा है तो प्लस इधर भागेंगे और यहाँ माइनस ज्यादा है तो माइनस यहाँ से इधर भागेंगे तो यहां पे दीवार के पास में प्लस माइनस इकट्ठे होने लगेंगे इसके कारण यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बनेगा जो और प्लस को जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं वाला गाना गाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के नेगेटिव के लिए भी सेम गाना गाएगा तो अब और मिक्सिंग नहीं हो पाएगी इसने एक प्राचीर का काम किया एक बाउंड्री का, का काम किया तो यहां जो वोल्टेज है उसको प्राचीर विभव कहेंगे जैसे ही और पॉजिटिव यहां आना चाहेगा यहां पर बैठा हुआ प्राचीर विभव का चौकीदार इसके तीन थप्पड़ लगा के इसको वापस भेज देगा खत्म अब हमने दिमाग लगाया कि अगर हम बाइसिंग कर दें तो बाइसिंग क्या होती है बाइसिंग का मतलब होता है करंट तो फ्लो करवाना ठीक है करंट से कनेक्ट करना तो आपने क्या किया बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से जोड़ना तो बैटरी से जोड़ना अगर आपने पी को प्लस से और एन को नेगेटिव जोड़ा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग अगर आपने पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग या पश्च बायस अब दोनों का खेल समझते हैं जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो यहां आ गया प्लस और यहां आ गया माइनस ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा ये प्लस इस प्लस को जैसे होता है ना अपने क्लास में दोस्त होते हैं अरे जाना चलना बंक करते हैं चलना बंक करते हैं भाई अब अगर तुम्हारा क्लास टीचर सुस्ती राम है तो तुम बंक कर जाओगे और तुम्हारा क्लास टीचर भयंकर आदमी है तो तुम बंक नहीं कर पाओगे पकड़ लेगा तुमको वैसे ही अगर तुम्हारा प्लस ये प्लस इस प्लस को बोला जा जा दीवार क्रॉस कर तो ये प्लस बोला भाई पहले गया था एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है उसका चौकीदार तीन थप्पड़ मार के भगा देता है तो ये कहता है मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे जा तो ये जाता है अब ये बंदा इसके थप्पड़ मारता है इसके पास वोल्टेज इससे कम है इसकी वोल्टेज है पाँच इसके पास से एक दो तीन तो इसके द्वारा उकसाने के बाद भी ये पॉजिटिव वहाँ नहीं जा पाएगा तो स्टार्टिंग में जब तक आपके द्वारा दिया गया वोल्टेज प्राचीर विभव के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तो, तो, तो बात नहीं बनेगी तो स्टार्टिंग में जाएगा थप्पड़ थपड़का के आएगा भले ही इसका साथ हो पर अगर ये पावरफुल हो जाए ये बैटरी पावरफुल हो जाए इस वीबी से तो ये प्लस को वहां भेज सकती है और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को धक्का देकर यहां भेज सकता है तो यहां का हाथी इधर यहां का हाथी इधर करंट फ्लो कर गई कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन तो यहां पे जो हाथी है वो चल गया करंट फ्लो कर गई साहब कर गई करंट फ्लो ट तो यहां पे हाथियों के कारण करंट फ्लो करती है आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण करंट फ्लो करती है पर कब जब आपका वोल्टेज यहां के प्राचीर विभव से ज्यादा हो तो जब तक प्राचीर विभव से ज्यादा नहीं है तब तक जीरो उसके बाद बढ़ती है खत्म पश्चिम बायस में क्या होता है पश्चिम बायस में यहां लगा है नेगेटिव यहां लगा है पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर दिया माइनस से इसको कनेक्ट कर दिया प्लस से ये माइनस इस प्लस को अपने पास खींचता है साले मेरी जिंदगी वैसे ही खराब थी मेरे को ये चौकीदार वैसे ही थप्पड़ मार के भगाता था तूने और इधर खींच लिया तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक काम कर सकते हैं बहुसंख्यक के कारण तो करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करेगी हाथी जा ही नहीं सकता यहाँ के हाथी को इस प्लस ने इधर खींच लिया यहाँ के हाथी को इस माइनस ने इधर खींच लिया तो अब अगर कोई जा सकता है तो ये छोटे छोटे चूहे आपको पता है ना पी टाइप में माइनस भी थोड़ा सा होता है और इसमें प्लस थोड़ा सा होता है तो इस माइनस के लिए वरदान है क्यों क्योंकि ये इसको धक्का देके उधर भेजेगा ये इसको धक्का देके इधर भेजेगा तो एक्चुअल में छोटे छोटे चूहे जाके करंट फ्लो करा सकते हैं हाथी करंट फ्लो नहीं करवाएगा ओके समझ आया प्यारे बच्चों अब समझिए काम की बात और ध्यान से जरा अब क्या होगा अब हाथी करंट फ्लो कराता है तो करंट ज्यादा आती है तो यहां पे जो करंट आती है वो आती है मिली एम्पियर में पर चूहा कितनी करंट करा लेगा इससे चूहे की करंट आती है माइक्रो एम्पियर में माइक्रो छोटा होता है मिली से ओके अब जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे ये वाली तो हल्की हल्की कारण बढ़ेगी इन चूहों के कारण अब सारे चूहे चले गए बात खत्म पर यहाँ पे कितना तनाव आ रहा है ये प्लस को इधर खींच रहा है इस माइनस को उधर खींच रहा है तो मेरे हाथ को अगर कैसे खींचेगा 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 तो कंधा फट जाएगा ना तो लास्ट में डाइवर्ट फट जाता है और फिर सब आपस में मिक्स हो जाते हैं भयंकर करंट फ्लो करती है और इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज भंजन वोल्टता ंजन वोल्ट के बाद आपके इनपुट वोल्टेज को कितना बढ़ा लो वोल्टेज नहीं बढ़ता केवल करंट बढ़ती है क्योंकि सब कुछ क्या हो चुका है मिक्स हो चुका है अब बताओ बेटा अब बताओ सर चालक पहले से मौजूद थे तो ये सब क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर चिप के अंदर हमारे मोबाइल चिप के अंदर हमारे लैपटॉप के अंदर हमारे कैमरे के अंदर जो छोटी छोटी चिप काम करती है ना उसमें यही सब होता है और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है दिष्टकारी के अंदर हैश टैग मक्खन पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने आप पूरा अच्छे से वो भी मजा आ गया क्लियर अब आराम से इसको देख लो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ बस आपको दो ही बातें याद रखनी है कि अगर आपने पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव जुड़ा है करंट फ्लो नहीं करेगी और अगर आपने पी को पॉजिटिव से और एन को पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा है करंट फ्लो करेगी आपको तो बायस और पश्चिम बायस का मेन लॉजिक याद रखना ये वाला कि P प्लस से है करंट फ्लो करेगी P माइनस से है करंट फ्लो नहीं करेगी बस इतना याद रखना है आपको ठीक है चलो और आराम से देख लो इसको आपके पास छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ मैं आपको पांच से सात मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ उसके बाद में जो है आपको पूरा वापस कराऊंगा, ठीक है पाँच मिनट का ब्रेक ले लो फिर अपन फिर अपन क्या करेंगे अब तक तो, तो रिवाइज कर लो सारा फिर अपन जो है ख़त्म करेंगे चैप्टर को हाँ जी चले चलो साहब शुरू करें बढ़िया आगे अब हमें वो टॉपिक पढ़ना है जहां से सवाल आता है बहुत ज़्यादा अब हम पढ़ेंगे दिष्टकारी क्या पढ़ेंगे दिष्टकारी चलो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर समझिएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी मजा आ जाएगा आपको बेटा रेक्टिफायर का मतलब होता है ऐसी चीज या ऐसे यंत्र जो अल्टरनेटिंग करंट को ऐसा यंत्र जो अल्टरनेटिंग करंट को किसमें बदलता है डायरेक्ट करंट में बदलता है तो कहते हैं दिष्ट धारा ठीक है शुरू करें तो ऐसा यंत्र जो ऑल्टरनेटिंग करंट को किसमें बदलता है दिष्ट धारा में दिमाग में एक सवाल चल रहा है नहीं चल रहा आपके तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और दिष्ट करंट क्या होती है अब समय आ गया है इस चीज को समझाने का देखिए ध्यान से। अगर एक बल्ब में कुछ देर के लिए करंट फ्लो करे ए से बी और कुछ देर बाद करंट फ्लो करे बी से A फिर कुछ देर बाद करंट ए से बी और फिर कुछ देर बाद करंट बी से मतलब थोड़ी देर के लिए ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो और थोड़ी देर के लिए बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव हो मतलब थोड़ी देर करंट फ्लो कर रही है ए से बी फिर कर रही है बी से फिर कर रही है ए से बी फिर कर रही है बी से फिर वापस ए से बी फिर वापस बी से फिर ए से बी फिर बी से फिर ए से बी फिर बी से मतलब करंट इस प्रकार फ्लो कर रही है कि वो अपनी डायरेक्शन को थोड़ी थोड़ी देर में बदल रही है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली करंट को एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं इसको अपन प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे दिखाते हैं इसका मतलब है करंट ए से बी फिर इसका मतलब है करंट बी से फिर इसका मतलब है करंट ए से बी फिर इसका मतलब है करंट बी से ये होती है आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट अब कमेंट करके बताओ क्या आपको ये बात समझ आती है क्या हाँ जी बताओ समझ आया हम्म मक्खन तो थोड़ी देर करंट ए से बी जाए और फिर थोड़ी देर बाद बी से ए जाए फिर ए से बी फिर बी से फिर से बी फिर बी से फिर से बी फिर बी से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसा चले तो उसको ऑल्टरनेट करंट कहते हैं और करंट केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफायर में डालोगे तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी बट यहां पे दो गेम है रेक्टिफायर भी आपके दो प्रकार के होते हैं एक होता है पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जिसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर एच डब्ल्यू आर फुल वेव रेक्टिफायर एफ डब्ल्यू आर ठीक है समझे हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या है समझना जब इस तरंग को आप इसमें डालोगे तो ये नेगेटिव वाले हिस्सों को हटा देगा और केवल पॉजिटिव वाले हिस्सों को ले लेगा ऐसे तो इसने क्या किया इसने आधी वेव को काट दिया जो वेव डायरेक्शन चेंज कर रही थी उस वेव को इसने क्या किया काट दिया देख रहे हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर नेगेटिव वाले को काट देगी पॉजिटिव वाले को छोड़ देगी आधी वेव काट दी आधी वेव छोड़ दी ये कैसे करेगा क्या करेगा मैं समझाऊंगा सबको चिंता मत करो पर अगर इसी को आप डालते हो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में इसी वेव को इसी वेव को अगर आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी में डालोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग काम करती है वो पॉजिटिव को तो लेगी लेगी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगी समझे क्या आधी वेव नेगेटिव हिस्से को काट दे तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर ये भी डायरेक्ट करंट है ये भी डायरेक्ट करंट है और हमने जो अल्टरनेटिंग करंट भेजी उसके नेगेटिव हिस्से को उसने काट दिया पॉजिटिव पॉजिटिव को छोड़ा ये है आधी वेव का दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और अगर वो पॉजिटिव को तो रखे नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दे तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और दृष्टिकारी का मतलब क्या होता है करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही है करंट बार 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 अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है हाथ ऊपर करें क्या आपको मतलब समझ में आ गया कैसे करेगा ये बाद में पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा इसके बाद अभी ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या ये चीज समझ में आ गई फटाफट हूँ हाँ मक्खन कुछ तो लिखो फिर मैं आपको दोनों रेक्टिफायर पढ़ाता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से बेटा ये क्या कर रहे हैं ये समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं वो मैं आप समझाऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट वो होती है जो हर थोड़े थोड़े देर में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ए से बी फिर बी से ए फिर ए से बी फिर बी से ए फिर ए से बी फिर बी से मतलब थोड़ी देर ए प्लस होगा बी माइनस होगा करंट ऐसे चलेगी फिर थोड़ी देर ए प्लस होगा ए माइनस जाएगा बी प्लस हो जाएगा करंट ऐसे चलेगी फिर ये फिर यूं फिर ये फिर यूं अब अगर आप एक ऐसे यंत्र को काम में लो जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल दे तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर दो तो प्रकार के होते हैं एक है फुल वेव रेक्टिफायर एक है हाफ वेव वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर फुल पूरी तरंग को बदल देगा और हाफ नेगेटिव वाले हिस्से को काट देगा तो नेगेटिव को जो काट दे और पॉजिटिव पॉजिटिव को रख ले वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो पॉजिटिव को तो रखे नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे वो है फुल वेव रेक्टिफायर समझ गए स्टार्ट करें अब ये काम कैसे करता है उसके लिए आपको इनका सर्किट दिखाता हूं सब समझ में आ जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग है यहां से तो आप हेडिंग लगा सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बस लास्ट टॉपिक है बेटा अर्ध तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी देखें देखो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट कभी भी अपन सप्लाई नहीं दे सकते इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट को देने के लिए अपन हमेशा अन्योन्य प्रेरण की सहायता लेते हैं क्या आपने अन्योन्य प्रेरण को पढ़ रखा है अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है कि यहाँ से करंट वहाँ पहुँच जाएगी तो अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ये जो सेटअप मैंने अभी बनाया है ये केवल अन्योन्य प्रेरण का सेटअप है यहाँ से अपन एसी का इनपुट दे रहे हैं एसी का इनपुट देने का मतलब क्या है यहाँ से हम ऐसी वाली करंट भेज रहे हैं कैसी वाली एसी वाली करंट भेज रहे हैं अब डायोड जो होता है ना बेटा वो बहुत छोटा सा होता है तो डायोड में भयंकर बचीड़ फैल जाएगी इसीलिए हम क्या करते हैं हम उसको डायरेट सप्लाई नहीं देते कभी भी डायरेट तार के साथ नहीं जोड़ते हैं उसको अपन ऐसे अन्योन्य प्रेरण के द्वारा सप्लाई देते हैं अब यहाँ पे आपका एक डायोड लगा हुआ है हाँ जी वही डायोड जिसको मैं आपको आज मिलवा रहा, रहा था ये वही डायोड है जिसको मैं यहाँ से मिलवा रहा, रहा था और यहाँ से आप क्या ले लेंगे यहाँ एक प्रतिरोध लगा दो सामान्य सा और यहां से आप ले लेंगे आउटपुट उधर से आ गया इनपुट इधर से आ गया आउटपुट डरो मत अभी मैं समझा दूंगा सब कुछ ये आपका है डायोड डी ये पॉइंट हो गया ए ये पॉइंट हो गया बी सर्किट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है सर्किट में डायरेक्ट डायोड को ये डायोड है कौन सा डायोड वही पी एन संधि डायोड ये पी है ये एन है ठीक है साहब लॉजिक गेट पढ़ाइए है ही नहीं कोर्स में न्यू एनसीआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी में है तो अलग से पढ़ाया जाएगा बिहार बोर्ड के बच्चों को इधर ध्यान दो अभी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो अच्छे से दिमाग मत खराब करो अभी गेट नहीं है सिलेबस में हाँ तो पी एन संधि डायोड जो है उसको लगा दिया इस डायोड को कभी भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं इसलिए इसको सप्लाई देने के लिए अपन ने क्या किया ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया ये सर्किट है इसका पूरा यही हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है कंप्लीट कंप्लीट सर्किट है समझ लो इसको डायोड को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते इसलिए डायोड को सप्लाई देने के लिए डायोड को सप्लाई देने के लिए डायोड को सप्लाई देने के लिए ऐसे अपन एक अन्योन्य प्रेरण का सहायता लेते हैं अन्योन्य प्रेरण आपको प्रत्यावर्ती धारा से पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है मतलब यहाँ से मोटे मोटे तौर पे यहाँ से करंट कर पहुंच जाएगी ठीक है अब अपन आते हैं प्रथम अर्ध चक्र के लिए प्रथम अर्ध चक्र के लिए ध्यान से देखना जब ये प्रथम अर्ध चक्र चलेगा ये अंदर जाएगा ना इसमें डायोड में तो इसके लिए ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए ए पॉजिटिव होगा और बी क्या होगा नेगेटिव सही बात है इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं धनात्मक अर्ध चक्र के लिए तो जब आप धनात्मक अर्ध चक्र की बात करोगे तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा और जब आप ऋणात्मक अर्ध चक्र की बात करोगे जब आप ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए बात करोगे जब आप ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए बात करोगे तो क्या आप समझ सकते हैं ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा मतलब ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा कमेंट करके बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या आ गया समझ में ऊर्जा बैंड पढ़ाऊंगा चिंता मत करो इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा बेटा जी ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये कहते हैं पुराने चैप्टर नहीं पढ़े होने के नतीजे ये पूरी किताब का आखिरी चैप्टर है तो इसके लिए पहला सब आना चाहिए ना ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है जो करंट ऐसे चलती है इसमें थोड़ी देर करंट ए से बी चलती है फिर बी से ए चलती है मतलब तो थोड़ी देर के लिए ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव होता है फिर थोड़ी देर के लिए ये ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है ऐसे थोड़ी देर ए प्लस होगा बी माइनस करंट यूं जाएगी फिर थोड़ी देर में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो करंट यूं जाएगी तो वही तो कह रहा हूं कि धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा और फिर ऋणात्मक वाला केस जब आएगा तो ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा यही तो मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट का और क्या मतलब है है ना है ना ठीक अब सोचो अब दोनों केस के बारे में बात करते हैं अलग अलग जब ए पॉजिटिव होगा जब ये वाला हिस्सा जाएगा कौन सा हिस्सा ये वाला जब ये हिस्सा जाएगा तो ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसी स्थिति में डायोड डी अग्र बायस में होगा कि पश्च बायस में होगा कमेंट करके बताओ जब ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा तो डायोड डी अग्र बायस में होगा कि पश्च बायस में होगा अग्र बायस में होगा कि पश्च बायस में होगा अग्र बायस में होगा कि पश्च बायस में होगा अग्र बायस में होगा कि पश्च बायस में होगा अग्र बायस में होगा कि पश्चिम बायस में होगा अग्र और पश्चिम बायस याद है आपको पी जब पॉजिटिव से होता है तो अग्र बायस होता है और पी जब नेगेटिव से होता है तो पश्चिम बायस होता है अग्र बायस में सही कह रहे हो और जब आधे चक्कर के बाद इसका नंबर आएगा इसका इसका नंबर आएगा ए नेगेटिव हो जाएगा बी पॉजिटिव हो जाएगा अब बताओ डायोड डी किसमें होगा अगले आधे चक्र के लिए डायोड डी किसमें होगा पश्चिम बायस में होगा तो मतलब इसके लिए डायोड आधे हिस्से के लिए डायोड मतलब पॉजिटिव वाले के लिए डायोड अग्र बायस में है और इस नेगेटिव के लिए डायोड पश्चिम बायस में है अग्र बायस में करंट फ्लो करती है मतलब डायोड में से ये वाला हिस्सा गुजर जाएगा पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं करती है मतलब ये नेगेटिव हिस्सा नहीं गुजर पाएगा फिर वापस से प्लस होगा तो फिर से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो जाएगा फिर से ये वाली स्थिति आ जाएगी फिर से ये वाला हिस्सा पास कर जाएगा पर यह नेगेटिव वाला हिस्सा पास नहीं कर पाएगा मतलब यहां पे स्थिति ऐसी बनेगी कि पॉजिटिव हिस्सा जो है आपकी तरंग का वो तो गुजर जाएगा पर जो नेगेटिव हिस्सा है आपकी तरंग का वो नहीं गुजर पाएगा मतलब अगर आप इस प्रकार की तरंग भेजेंगे अगर आप इस प्रकार की तरंग भेजेंगे ढंग से बनाओ क्या ढंग से बना अगर आप इस प्रकार की तरंग भेजेंगे मजा आया पढ़ के अगर आप इस प्रकार की तरंग भेजेंगे पॉजिटिव हिस्सा तो, तो गुजर जाएगा और ये नेगेटिव हिस्से को गुजरने नहीं देगा पॉजिटिव हिस्सा तो गुजर जाएगा और ये नेगेटिव हिस्से को गुजरने नहीं देगा तो आपको समझ में आया आधी वेव को काट देगा और तो आधी वेव को छोड़ देगा तो ये हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी बेटा बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल कंसेप्शुल तरीके से कहीं कोई मिलावट नहीं है शुद, शुद्ध शुद्ध इसको कहते हैं ना प्योर देसी घी है ये प्योर देसी घी कॉन्सेप्ट है ये इसमें कहीं कोई मिलावट हो ही नहीं रही साफ साफ अच्छे से ये समझाया है और इसलिए आपको अग्र बायस और पश्च बायस का मतलब अच्छे से समझाया था मैंने ठीक है साहब पढ़े आगे अब देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी वो और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें ये समझना है कि उसने इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया हो गया आप जानते हो ना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है वो कैसे करता है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा जानना चलो हो गया तो आधे चक्कर के लिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डायोड अगर बायस में करंट पास कर देगा तो ये पास हो जाएगा अगले इसके लिए ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा डायोड हो जाएगा पश्चिम पास नहीं हो पाएगा तो कोई भी नेगेटिव साइकिल पास नहीं हो पाएगी केवल पॉजिटिव साइकिल पास हो पाएगी तो हाफ वेव रेक्टिफायर यह काम करता है और रेक्टिफायर का मतलब होता है ठीक करना तो यह इसको इस प्रकार से ठीक कर रहा है ओके okay, बेटा चलो अब देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वो बहुत इंटरेस्टिंग है फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण करंग, कारी और यह ध्यान रखना इसका लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जहां से इनपुट देते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं निवेशी इसको हिंदी में बोलते हैं निवेशी जहाँ से बाहर निकलता है बेटा उसको बोलते हैं निर्गत तो ये होता है निवेशी ये होता है निर्गत चलिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पाते हैं अब डायोड को कभी भी सप्लाई डायट नहीं दी जाती है इसलिए डायोड को सप्लाई हमेशा कैसे देते हैं प्रेरण के थ्रू प्रेरण नहीं पड़ा तो रटना ही पड़ेगा फिर कुछ नहीं कर सकते तो डायोड को सप्लाई हमेशा ऐसे दी जाती है ध्यान से देखना इसमें दो डायोड लगे होते हैं एक डायोड D1 वन यहां पर और एक डायोड D2 टू यहां पर समझ आई बात इसमें आउटपुट यहां पे नहीं होता इसमें यहां से आउटपुट लेते हैं अपन ये आउटपुट होता है एक्स वाई यहां से आउटपुट लेते हैं ये पॉइंट वही है ए और बी ठीक है साहब अब अगर सोचें तो इनपुट कैसा दे रहे हो आप ऐसा ये इनपुट जा रहा है ये इनपुट है ना ठीक है तो ये आपका इनपुट है यहां से आप दे रहे हो इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट यहां से ले रहे हो आउटपुट चलो यहां पे भी वही सेम बात धनात्मक चक्र के लिए जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जैसे उसमें था है ना और डायोड का काम क्या है सारा काम डायोड का ही तो है और ऋणात्मक चक्र के लिए ऋणात्मक चक्र के लिए ऋणात्मक चक्र के लिए ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव सही है ध्यान से देख के बताना मुझे अच्छे से यहां सवाल थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो तो डायोड डी वन और डायोड डी टू के बाइसिंग के बारे में बताओ कौन सा किस बायस में होगा अगर अपन देखें तो डायोड डी का पी डी वन का पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है डी तो वन होगा अग्र बायस में और डायोड डी टू का पी नेगेटिव से कनेक्टेड है तो डायोड डी टू होगा पश्च बायस में सही बात है मतलब सीधा सीधा और बिल्कुल साफ है कि अग्र बायस में है तो ये करंट को अलाउ करेगा और यह करंट को अलाउ नहीं करेगा एक अग्र में और एक पश्चिम में है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है तो करंट पी से एन ऐसे चलेगी देखो ना पी से एन तो ऊपर चलेगी नीचे नहीं चलने वाली तो करंट चलेगी कहां से कहां एक्स वाई से एक्स की तरफ तो ये करंट को फ्लो करवाएगा और करंट कहां से कहा जाएगी y से x की तरफ ठीक है करंट कहां से कहा जाएगी y से x की तरफ एक बात ध्यान रखना अगर इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट अपन एक्स वाई के ऊपर लगा दें तो थोड़ी देर करंट x से y जाएगी फिर y से x, फिर x से y, फिर y से x, फिर x से y, फिर y से x। क्या बोल रहा हूं अगर हमने इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट इस सर्किट को भूल जाओ अगर अपने ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट एक्स वाई के ऊपर लगा दिया होता तो थोड़ी देर करंट x से y जाती फिर y से x, फिर x से y, फिर y से x, फिर एक्स से वाई फिर वाई से एक्स फिर एक्स से वाई फिर वाई से एक्स ये चलता यहां देखते हैं क्या होता है तो ये पॉजिटिव वाले को, पहले वाले को किसने इज्जत दी डी ने। ने। ने इसको रवाना किया अब करते हैं अगले वाले की बात नेगेटिव की बात जब बात नेगेटिव पे आएगी तो सॉरी सॉरीते हैं जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तो डायोड डीवन को देखो ध्यान से डायोड डी वन का पी कनेक्टेड है नेगेटिव से तो ये चला जाएगा पश्च बायस में किस में पश्च बायस में और डायोड डी टू को देखो डी टू का पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो डी टू आपका आ जाएगा अग्र बायस में डी टू आपका आ जाएगा अग्र बायस में तो ये चला जाएगा रिवर्स बायस में चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में अब कौन करंट को फ्लो कराएगा पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं होती तो नो करंट अगर बायस में करंट फ्लो होती है तो इस बार करंट को कौन फ्लो कराएगा डी टू फ्लो कराएगा करंट कहां से कहा फ्लो होती है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है तो ये पी है ये एन है तो करंट पी से एन ऐसे फ्लो करेगी यू ऐसे अभी भी करंट कहां से कहां जा रही है वाई से एक्स जा रही है देखो जब ये भी करंट को फ्लो करा रहा है तो करंट कहां से कहां जा रही है वाई से एक्स जा रही है मतलब अगर अपन ने एक्स वाई के ऊपर डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट को चिपका दिया होता तो थोड़ी देर करंट चलती x से y, फिर चलती y से x, फिर चलती x से y, फिर चलती y से x, फिर चलती x से y, ऐसे चलता पर यहां क्या हो रहा है यहां पे जब ये वाला हिस्सा गया तो भी करंट y से x, और जब ये वाला हिस्सा गया तो भी करंट y से x। मतलब करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है सॉरी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है वाई से एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स हर एक हिस्सा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है वाई से एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स भैया वापस समझिए वापस समझिए देखो अगर अपन ने इसको एक्स वाई के ऊपर चिपकाया होता तो थोड़ी देर करंट चलती वाई से एक्स फिर करंट चलती एक्स से वाई ठीक है आराम से देखो आ जाता है इसको समझाने में फिर थोड़ी देर बाद करंट चलती y से 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 फिर फिर चलती X से y, फिर चलती y से X, ऐसा होता पर हमने जब इसको डायोड का सेटअप बना लिया तो तो उसके बाद हमने किया तो जब पहला वाला हिस्सा निकला तो इस डायोड ने करंट फ्लो कराई तो ऐसे कराई वाई से एक्स जब यह वाला हिस्सा निकला तो यह डायोड बंद हो गया और इस डायोड ने करंट फ्लो कराई तो करंट की डायरेक्शन अभी भी सेम ही रही वाई से एक्स मतलब यह हुआ है कि एक्चुअल में दो डायोड की मदद लेने से इस डायोड ने इस वाले हिस्से की करंट वाई से एक्स करवा दी और इस वाले हिस्से की करंट इस डायोड ने वाई से एक्स करवा दी मतलब दोनों डायोड ने मिलकर के ऐसा काम किया कि करंट की डायरेक्शन किसी भी केस में चेंज हो ही नहीं रही है वाई से एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स और यही क्या होती है दिष्ट धारा तो एक डायोड था अब ये डायोड इसने क्या किया इस डायोड ने इसको पकड़ लिया इसको छोड़ दिया इस डायोड ने इसको पकड़ लिया इसको छोड़ दिया तो दोनों डायोड ने मिलकर के दोनों तरंगों के हिस्से को पकड़ लिया अब इनकी जगह कोई एक डायोड होता तो यह अकेला क्या करता इसको पकड़ता इसको छोड़ देता इसको पकड़ता, इसको पकड़ता छोड़ देता अपन को आधी वेव मिलती अगर अकेला यह होता तो इसको छोड़ देता इसको पकड़ लेता इसको छोड़ देता इसको पकड़ देता अपन को आधी वेव मिलती पर इन दोनों ने मिलकर के क्या किया इसको भी वाई से एक्स में पकड़ लिया और नीचे वाले को भी उल्टा करके वाई से एक्स में पकड़ लिया क्योंकि दिष्ट धारा का मेन लॉजिक क्या है करंट एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए और, और करंट का मेन लॉजिक क्या है डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए तो दो डायोड ने मिलकर के आपका काम संभाल लिया अब बताओ बेटा कैसा लगा इतना शानदार टॉपिक आपको शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश की प्लीज रेज योर अब हर वो बच्चा बोलेगा जो बच्चा लाइव है कैसा लगा मजा आया बहुत आसान था बहुत इजी करके समझाने की कोशिश की है रेक्टिफायर इन्वर्टर क्या होता है सर इन्वर्टर अलग चीज़ रेक्टिफायर अलग अलग है बेटा रेक्टिफायर काम होता है ए को डी में बदलना इन्वर्टर काफ़ी काम करता है इन्वर्टर बिल्कुल अलग है आपके कोर्स में केवल रेक्टिफायर है इन्वर्टर के अंदर रेक्टिफायर भी होता है ये ध्यान रखना मक्खन चलो साहब हम्म क्या बात है अब आई ना बात देखो बेटा हाथी घोड़ा चूहे से लेकर के तुमको इतना शानदार टॉपिक भी समझाने की कोशिश की है ऐसे नहीं कर सकते आप फिर आ गया मज़ा बहुत बढ़िया चलो अब पांच मिनट का टॉपिक लास्ट बैंड सिद्धांत एक फर्जी टॉपिक है बिल्कुल इसको दो मिनट में ख़त्म करते हैं बैंड सिद्धांत बैंड थ्योरी अजीब सी थ्योरी है बहुत बेसिक सी थ्योरी है और तो इसके बाद चैप्टर खत्म बैंड थ्योरी पता है क्या बोलती है ये चालक अचालक और अर्धचालक में डिफरेंस बताने की कोशिश करती है अपने तरीके से ये बोलती है कि हर एक पदार्थ में दो प्रकार के बैंड होते हैं एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड ठीक है एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड एक, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड एक होता है चालन बैंड एक होता है संयोजकता बैंड नीचे वाले बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो खाली होता है समझ गए तो नीचे वाले बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं नीचे वाले बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से जंप करके चालन बैंड में चला जाए तो करंट फ्लो होती है और अगर आपका इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से जम करके चालन बैंड में नहीं जाए तो करंट फ्लो नहीं होती है इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको बैंड अंतराल के नाम से जानते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैंड अंतराल लगभग जीरो के बराबर है यहां पे बैंड अंतराल अच्छा खासा है तो यहां पे जो बैंड अंतराल है जो गैप है लगभग छह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है और यहाँ पे बैंड अंतराल बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है तो यहाँ पे जो बैंड अंतराल है वो लगभग पॉइंट वन या वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है अब समझिए आपके जो चालक होते हैं चालक उनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं इनके बीच में बैंड गैप जीरो के बराबर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी संयोजकता बैंड से जंप करके चालन बैंड में चाह जाता है और विद्युत का चालन हो जाता है जो आपके कुचालक होते हैं कुचालक के अंदर दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में जंप करके नहीं जा सकते इसीलिए कुचालक जो है वो कभी भी करंट को फ्लो नहीं कराते हैं जब बात आती है आपके अर्धचालक की तो अर्धचालक के अंदर ये जो गैप है स्टार्टिंग ये गैप बीच का होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाते इसलिए वो करंट को फ्लो नहीं कराता पर अगर आप तापमान को बढ़ा दो तो तापमान को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है और वो जंप करके चला जाता है कब जब आप तापमान को बढ़ाते हो यहां तापमान बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है यहां तापमान बढ़ाने का फायदा होता है इसलिए अर्धचालक करंट फ्लो नहीं कराता पर अगर आप तापमान बढ़ाओ तो करंट फ्लो हो जाती है आप इसको दो तीन तरीके से समझ सकते हो एक तो तापमान बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वाइब्रेशन से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया एक ये अपने आप में अलग ही थ्योरी है यह थ्योरी पूरी तरह से फोकस किस पे करती है बैंड के ऊपर ये बोलती है अगर दोनों बैंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो वो चालक है इलेक्ट्रॉन खट 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 जम्प कर सकता है दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में जंप नहीं कर सकता ये कुचालक है और गैप इतना होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को तापमान दो तो वो जंप कर जाए तो तापमान बढ़ाने पर जंप कर जाता है इसलिए अर्धचालक तापमान बढ़ाने पर करंट फ्लो कराते हैं और तापमान कम होता है तो उनमें करंट फ्लो नहीं होती ये कभी नहीं कराते और ये हमेशा कराते रहते हैं ये सिंपल सी आपकी लेक्चर है और ये सिंपल सी चीज़ है आपकी बैंड इलेक्ट्रॉन की इतनी सी बात है धन मतलब मोटे मोटे तौर में आप ये देखोगे कि यहां पे मैं अगर आपको रफ आइडिया दूं तो यहां पे सॉरी यहां पे बैंड गैप जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और यहां जो बैंड गैप है वो आप ये पाओगे कि वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है ज़्यादा होता है ठीक है तीन से ज़्यादा होता है उसमें तीन से कम होता है और इसमें लगभग जीरो के बराबर होता है ठीक है तीन से ज़्यादा ये हंड्रेड परसेंट बात ये ज़्यादा सही है तीन से ज़्यादा और तीन से कम वाली बात रख लो सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में ऐसा होता है सिलिकॉन जर्मेनियम में लगभग पॉइंट एट या वन के आसपास होता है बताओ भाई ठीक है चलो एनसीईआरटी बुक्स सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास ट्वेल्थ एक बच्चे ने कहा सर सारे टॉपिक कराना फिजिक्स बहुत ही की टू गो चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर आपका सिक्स देखो बेटा भूमिका पूरी करा दी आपको मैंने आपको चालक अर्चालक कुचालक के बारे में बता दिया उसके बाद आपका बैंड सिद्धांत आपको पूरा समझा दिया बैंड सिद्धांत में क्या होता है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ये सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया नैज अर्धचालक आपको समझा दिया उसके बाद एन प्रकार और पी प्रकार अर्धचालक आपको समझा दिए ये देखो पूरा है ना उसके बाद आपका अभद्र भी अच्छा आपको समझा दिया इसके अंदर अपन लोग पंचसयोग जी मिला रहे हैं ये पूरा क्लियर हो गया आपको अच्छे से क्लियर हो गया पी प्रकार के अचानक एन प्रकार के अचानक ये आपको मैंने बहुत क्लीन तरीके से समझा दिए इसके बाद पी एन संधि डायोड अपन ने अच्छे से समझ लिया कि पी एन संधि डायोड का निर्माण कैसे होता है इसके ग्राफ समझ लिए अपन ने सारे फिर डायोड क्या होता है डायोड के बारे में बात कर ली अपन ने फिर उसके बाद में डायोड की बाइसिंग समझ ली अग्र बाइस पश्चिम बाइस के ग्राफ देख लिए ये देखो हर प्रकार के ग्राफ समझ लिए फॉरवर्ड बायस ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया इतना ग्राफ फॉरवर्ड बायस का है ये ग्राफ रिवर्स बायस का है वंजन वोल्ट था इसको भी अपन ने समझ लिया उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल वगैरह अपन रफ्तार में करेंगे संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग दिष्टकारी के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर देखो इसका पूरा सर्किट समझ लिया इसमें देख रहे हो आप ये पूरी वेव गई या आधी वेव कट गई ये कर लिया अपन ने इसके बाद पूर्ण पूर्णतरण दिष्टकारी पूर्ण तरण दृष्टकारी देखो ना ये वाला डायोडी वन के कारण करंट ये डायोडी टू के कारण फिडी वन के कारण के कारण इसको पूरा समझ लिया और उसके बाद में इसका पूरा ग्राफ वगैरह क्लियर कर लिया ये आपका चैप्टर हो जाता है बेटा पैसे तो एक भी टॉपिक नहीं छूटा है और इस पूरे वन शॉट में जो आपकी न्यू एन सी आर टी है उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ें आपको करवा दिए अब इस चैप्टर से संबंधित सवाल एग्ज़ाम में लिखना कैसे है एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड का बचा हुआ टॉपिक वो सब अपन रफ्तार में कवर करेंगे तो रफ्तार के अंदर अपने पूरे टॉपिक्स को कवर किया गेट इज नॉट इन योर कोर्स फिर भी अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा रखा है आप वहां से आके देख सकते ठीक है तो बस ये आपका चैप्टर था और हमने इस चैप्टर को पूरी शिद्दत के साथ फिनिश किया उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा इसकी थ्योरी आपको आपके नोट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगी और रफ्तार में मैं लिखना सिखाऊंगा कि एग्जाम में इससे सवाल देखो रफ्तार में आपको शीट्स मिलेंगी पीवाई की उनमें आपके पास सारे क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जब सिखाया जाएगा तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वहाँ सब कुछ आ ही जाएगा है ना तो इसी के साथ आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो समाप्त होता है मेरी तरफ से और अब आपको परसों आपके रफ्तार का टाइम टेबल मिली जाएगा उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है तो परसों शाम छः बजे तैयार रहेगा और बेटा इसमें बहुत हाथी घोड़ा चूहा है ना बहुत हर तरह से मैंने इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन की सिलेबस की आखिरी क्लास है और आखिरी क्लास में बहुत खुशी होती है जब हम किसी चीज़ को फाइंड अप करते हैं अब हम रिवीजन शुरू करेंगे अब हम वन शॉट शुरू करेंगे अब न्यूमेरिकल्स आएंगे अब सवाल आएंगे अब रफ्तार आएगा ये सब चलेगा पर सिलेबस तो सिलेबस होता है ना तो ये हमारा सिलेबस वाइंड अप हुआ है आज सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करेंगे कि ए के साथ आपकी यात्रा कैसी रही इस सिलेबस की है ना और दूसरा आप टेलीग्राम पर वीडियो भेज सकते हो ऐसा मैंने आपको बताया आज वाइंड अप है सेशन का चैप्टर का एक तरह से फिजिक्स का हाँ ऐसा नहीं कि क्लासेज नहीं होंगी मैंने आपको दस बार बताया अब आपके वन शॉट्स भी आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे यूट्यूब पर भी आएगा रफ्तार में भी आएगा हर जगह आएगा पर कोर्स तो कोर्स होता है ना ये कोर्स आज फिनिश हुआ हैश टैग कंप्लीट सिलेबस तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है ना सभी को मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं हमेशा हर कमेंट पढ़ता हूँ बेटा ये बात ध्यान रखें आप आज सभी बच्चे बैठे कमेंट करेंगे मुझे बताना कि कैसा लगा आपको आज का कंटेंट और परसों शाम को छः बजे आपको पता ही है रफ्तार आ रहा है आपके लिए टाइम टेबल के साथ और भी बहुत कुछ है छः बजे वाला इवेंट आपको जरूर ज्वाइन करना सभी टीचर ज्वाइन करेंगे आपको भी आना ठीक है तो चलिए भाई साहब मिलते हैं हालांकि कल मेरा प्लान था कि मैं इस वीक में एक वन शॉट कराऊंगा फिजिक्स का बड़ी सेमी कंट्री वाला वन शॉट आ ही गया आपका फिजिक्स का तो फिजिक्स का वन शॉट अगले वीक से स्टार्ट होगा तो मैंने कहा था ना फर्स्ट बुक हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे ठीक है और कल मेरा प्लान है केमिस्ट्री का अमीन का वन शॉट लेने का उसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी डन चलिए बाय बाय जहद टेक है खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो उम्मीद करता रहा हूँ आज बहुत मज़ा आया होगा और सारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस चैप्टर को बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाने की, की कोशिश की है और देखना जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना इस चैप्टर में सवाल आएंगे और आपसे सवाल होंगे आपसे सवाल बनेंगे देखना और तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है थैंक यू सो मच हैश टैग जिद कर जहिंद